सुनाई दे रही हूं मैं दिखाई दे रहा है सब गुड मॉर्निंग अंशुल okay. so, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं वो फटाफट से बता दीजिए कि क्या उनको मैं आवाज मेरी क्लियर है सुनाई दे रही हूं मैं ओके थैंक यू थैंक यू सो मच सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपने आपको पता है कि कल हमने सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी से रीड किया था हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे थे आज हम उनको अप्लाई करके देखेंगे कि हमने जो समझे वो कितने हम क्वेश्चन so, आज का टॉपिक है एंड क्वेश्चन बेस्ड रिविजन हम करने वाले यानी आई विल बी शोइंग यू दी क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब सर्फेस केमिस्ट्री एक बार तो पक्का पढ़ चुके होंगे तो यू हैव टू ट्राई दी क्वेश्चन एंड इन चैट बॉक्स यू हैव टू गिव आंसर्स ओके सो सो ग्रेट दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको आंसर करना है ध्यान से क्वेश्चन रीड करो वी हैव कवर्ड एंटायर चैप्टर इन दम ऑफ क्वेश्चन मतलब पूरा सर्फेस केमिस्ट्री इन दम ऑफ क्वेश्चन हम रिवाइज करने वाले हैं सो so, फटाफट से आपको यहां पे क्वेश्चन रीड करके इसका आंसर भेजना है वॉट यू थिंक इज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड यू हैव डिफरेंट किस पर्टिकुलर कंडीशन पे मिशन फॉर्मेशन होती है ये आपको बताना है ओके okay, कल्पना कह रही है डी अमन कह रहा है टू ओके गुड मॉर्निंग नित्या चलो ध्यान से सोचो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो देखो जो बच्चे टू बोल रहे हैं मैंने कल ही जब डेफिनेशन एनसीआरटी में पढ़ाई थी मैंने बोला था दोनों में अब आता है एंड अब राइट सो अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मिशिल फॉर्मेशन बनता है राइट right? यानी जो मिशिल होता है वो एक सीएमसी क्रिटिकल सी क्रिटिकल के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन पे ही बनता है एंड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बनता है दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर राइट सो क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा इट विल बी डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट सो so, जो भी बच्चे डेफिनेशन पे ध्यान दे रहे हैं वो मेन मेन वर्ड्स तो देख रहे हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं दैट इज तो जब भी आप किसी टेम्परेचर का डेफिनेशन वाला कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसको ध्यान से पढ़ा करो कि वो वहां पे डेफिनेशन में एट वर्ड यूज कर रहे हैं अब वर्ड यूज कर रहे हैं बिलो यूज कर रहे हैं तो so, ये डेफिनेशन में वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइट सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इस केस में अब सीएमसी एंड अब क्राफ्ट टेम्परेचर मिशन फॉर्मेशन होता है तो आंसर हो जाएगा फोर्थ चलिए नेक्स्ट सवाल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आंसर करना है मैंने कल एनसीआर जब पढ़ाया था तो एनसीआरटी में मैंने एक टेबल बोला था कि बेटा ये जो टेबल है ये आपको जरूर याद करना है जिसमें कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव क्लोइल पार्टिकल्स का वहां पे आपको दिख रहा था कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं नाउ यू हैव टू टेल से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल है ओके लेट मी सी कौन आंसर कर रहा है आयुष का आंसर बिल्कुल सही है ओके okay, प्रेम का आंसर भी सही है रवि uh, कुमार सॉरी कुमार रवि रंजन बिल्कुल सही स्वाति बिल्कुल सही खुशी ओके यस सबका आंसर सही है दैट इट इज ऑप्शन क्योंकि हमने जब वो टेबल देखा था तो उसमें उन्होंने बोल रखा था कि हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड एक एक स्टेटमेंट दी है हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड दे आर पॉजिटिवली सोल्स सो पॉजिटिवली चार्ज सोल्स में आता है और हमें सिर्फ पिक करना है मतलब अगर मेरे को वो टेबल याद है तो मैं बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प कर सकती हूँ राइट गुड मॉर्निंग एवरीबडी चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं पूरा सरफेस केमिस्ट्री हम रिवाइज करने वाले हैं सो so, फटाफट से क्वेश्चन आंसर करो पूरे क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री ऑलमोस्ट रिवाइज है एक बार एनसीआरटी रीड करनी है क्योंकि एनसीआरटी की कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है वो हमें पता होनी चाहिए सो कैन बी बाय ध्यान से से देखो किस तरीके प्यूरिफाई किए जाते हैं कुछ यहाँ पे नाम दिए प्रोसेसेस के आपको बताना इनमें से प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है यस yes, बिल्कुल सही आशुतोष का आंसर सही है नीतू स्वाति अयान बिल्कुल सही यस yes, बिल्कुल सही तो विल बी अल्ट्रा देखो सबसे पहले हम देखे, टिंडल टिंडल इफेक्ट इफेक्ट क्या होता है? टिंडल होता है है लाइट जब स्कैटर होती है से अगर हम लाइट पास करें, वो लाइट के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाए यानी हो जाए एंड वो वहां पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो एग्रीगेशन इज नोन एज कोगुलेशन पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्लॉइड बनाते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है प्यूरिफाई कैसे करना है तो प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दैट कैन बी यूज बिल्कुल सही बहुत ही बढ़िया चलिए आगे चलते हैं नाउ दिस क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी की लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है एनसीआरटी में जब लास्ट में क्लॉइड्स खत्म होता है तो वहां पे कुछ एप्लीकेशन दी हुई है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जिनको आप लॉयज से रिलेट कर सकते हो सो so, यहां पे आपको उन एप्लीकेशन में अगर आपने रीड किया होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा ठीक है बोर्ड्स के लिए भी कराएंगे बिल्कुल कराएंगे बेटा जो भी कोई अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट जैसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन चाहता है जो उसका कोई वीक हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्योंकि लाइव चैट बाद में चली जाती है बिल्कुल सही तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है दैट इट इज कॉगुलेशन सो क्वेश्चन में रीड करती हूँ तो जो डेल्टा फॉर्मेशन है उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या है दैट इज कॉगुलेशन की पार्टिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं इकट्ठे हो होकर जुड़ते रहते हैं यानी दे आर गेटिंग एग्रीगेटेड दैट मीन्स कॉगुलेशन बिल्कुल सही चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नाउ दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रीड दी क्वेश्चन वेरी केयरफुली कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है ये आपको बताना है सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना ऐसे क्वेश्चन में हर एक स्टेटमेंट को पूरा इंपॉर्टेंस देना यह मत करना जो पहली स्टेटमेंट दिखी है बस वो मार्क् कर दी एक बार सारे ऑप्शन रीड कर लेना बिल्कुल सही आयुष का आंसर आ गया है अयन का भी आंसर आ चुका है ओके आशुतोष सात्विक सात्विक गलत कर रहे हो कुछ ध्यान से पढ़ो अयान इज गिविंग राइट आंसर स्मृति रवि प्रकाश गुप्ता कल्पना नीतू कुछ गलत किया देख लो एक बार दीपक बिल्कुल सही अब देखो यहां पे आपको यह समझना है ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हमें बताना है हायर द गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक सोल बेटर इज द प्रोटेक्टिव एक्शन ऐसा नहीं होता जो गोल्ड नंबर है वो जितना कम होगा उसकी अमाउंट उतनी ही कम यूज हो रही है देखो गोल्ड नंबर क्या होता है बेसिकली एमजी में जो उसका वेट आया है यानी जो पर्टिकुलर कोलॉइड आप एड कर रहे हो उसका मिलीग्राम्स में जो वेट होता है इज़ रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ़ गोल्ड नंबर। तो अगर उसका मिलीग्राम्स में वेट कम है मतलब वो कम चाहिए कम में वो पूरा प्रोटेक्ट कर देगा यानी वो उतना बढ़िया है ना तो उसका प्रोटेक्टिव एक्शन ज्यादा है अगर उसका वेट कम आ रहा है यानी उसका गोल्ड नंबर कम आ रहा है जैसे सेम लॉजिक लगाना है जैसे तुम कॉलिगेटिव कॉगुलेटिव वैल्यू और कॉगुलेटिव पावर में लगाते हो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड नंबर अगर कम है लोअर दी गोल्ड नंबर गोल्ड नंबर कम होने से उसका प्रोटेक्टिंग पावर बेटर होता है बिल्कुल सही सो प्रोटेक्टिव पावर इज बेटर इफ द गोल्ड नंबर इज कम द फिर अगला स्टेटमेंट भी रीड करते हैं द ब्रेडिक्स आर्क मेथड इज यूजली सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग सोल्स ऑफ इनर्ट मेटल्स बिल्कुल सही क्योंकि हमें पता है है ब्रेडिक्स आर्क जो मेथड ये कौन से एलिमेंट्स के के प्रिपरेशन लिए यूज होता है कौन से फटाफट बताओ इनर्ट मेटल्स लिखा है यहाँ पे कौन से वो इनर्ट मेटल्स हैं जिनका कोलाइडल सोल आप बना सकते हो ब्रेडिक्स आर्क मेथड से फटाफट ओके आयुष ने एक आंसर तो बता दिया दैट इट इज गोल्ड चलो आयुष का आंसर लिख लिया गोल्ड यान ने तो सारे बता दिए सो इट इज गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम बिल्कुल सही तो जो ये इनर्ट मेटल्स हैं गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम इनके कोलोइडल सोल को बनाने के लिए हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज करते हैं राइट right? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड गिव्स एवरेज मोलर मास ऑफ दी पॉलीमर बिल्कुल सही है सो एवरेज मोलर मास हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से पता चलता है यस एब्सोल्युटली करेक्ट सो दैट स हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट राइट चलिए आगे चलते हैं नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना है इन दी प्रिपरेशन ऑफ एजीआई सोल सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ दोल विल एक्वायर ध्यान से देखना है कौन एक्सेस में है जो एक्सेस में होगा वो बेसिकली पार्टिकल एब्सॉर्ब होने वाला है यानी जो कोलोइडल पार्टिकल है वो अपने सरफेस पे कॉमन आयन जो एक्सेस में प्रेजेंट हो उसे एब्सॉर्ब करता है तो तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम आयोडाइड किया ही है इसमें हम ऐड कर रहे हैं ए जी थ्री जिसमें से कौन एक्सेस में है पोटेशियम आयोडाइड इज इन एक्सेस अब यहां से बताना है ध्यान से सोचो बिल्कुल सही यस सो आंसर हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव क्योंकि यहां से जो कोलॉयडल पार्टिकल बनेगा वो किसका बनेगा एजीआई का बनेगा अब एजीआई का पार्टिकल एक्स्ट्रा कौन से आयंस बच जाएंगे आयोडाइड सो आयोडाइड कॉमन आयन है तो वो उसको अपने सर्फिस पे एड्सॉर्ब कर लेगा सो नाउ दिस इज दल पार्टिकल ये पूरा कोलॉइडल पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा कौन सा चार्ज इसने एक्वायर किया है नेगेटिव चार्ज यस So, बहुत ही ज्यादा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सो so, इसने कॉमन आइन्स एड्सॉर्ब किए हैं अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में लिया होता तो क्या आंसर होता अगर मैंने एजी के ये के आई की जगह ए जी एनओ थ्री को एक्सेस में लिया होता तो बताओ अगर मैंने एजी एनओ थ्री एक्सेस में लिया होता तो क्या नेचर होता मैंने अभी बोला कि जिसको जो भी रिक्वेस्ट करनी है ये पढ़ाओ वो नहीं पढ़ाओ वो सब कमेंट सेक्शन में करो लाइव चैट बाद में चली जाती है बेटा ये लाइव लाइव चैट है है अभी अभी चल रही है, और मैं तो हूं ही गजनी मैंने तो पहले ही बताया है, मेरी याददाश्त पे तो तुम मत ही जाओ इसलिए कमेंट करोगे तो उस टॉपिक के कवर होने के चांसेस ज्यादा है बाद में भूल जाती हूँ ना मैं इसलिए कमेंट करोगे तो फिर मैं नोट कर लेती हूँ ओके प्रशांत यस तो अगर हमने AgNO3 को एक्सेस में लिया होता तो पॉजिटिव चार्ज आता क्योंकि AgNO3 अगर एक्स्ट्रा होता लाइक इफ वी हैव ए जी एनओ थ्री इन दी एक्स तो यहाँ से AGI का बनता, पे पड़े होते, तो वो कॉमन आयन सिल्वर को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता बिल्कुल सही तो इस वजह से इसका चार्ज क्या हो जाता पॉजिटिवली चार्ज सोल अभी ये क्या है ये है नेगेटिवली चार्ज सोल बहुत ही बढ़िया चलिए सो so, इसका आंसर तो फर्स्ट हो गया अब आगे चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर आंसर करना है फटाफट वीडियो लाइक भी करना है क्वेश्चन तो आंसर कर ही दिया उसके बाद क्या करना है वीडियो को लाइक भी करना है चलो विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉय यानी जो कुलॉयड्स हैं उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड अप्लाई नहीं किया जाता ये बताना है ध्यान से पढ़ लो कौन सा मेथड प्यूरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया जाता ध्यान से देखो ध्यान से स्मृति खुशी कल्पना ध्यान से देखो। महमूद गुड मॉर्निंग सर <laughs> आदत पड़ी हुई है ना गुड मॉर्निंग सर बिना देखो मतलब देख ही नहीं रहे कि टीचर है कौन गुड मॉर्निंग सर देखो बेटा ध्यान से देखो प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड नॉट एम्प्लॉइड ये बताना है तो मैं यहाँ पे पेप्टाइजेशन नजर नहीं आ रहा ये देखो बेटा पेप्टाइजेशन सो पेप्टाइजेशन किस लिए यूज होता है प्यूरिफिकेशन सॉरी प्रिपरेशन प्रिपरेशन के के लिए के लिए हम यूज करते हैं तो हमें ये बताना है नॉट एम्प्लॉइड फॉर प्यूरिफिकेशन सो प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम इस मेथड को क्योंकि ये प्रिपरेशन मेथड है इससे क्लॉइड प्रिपेयर होता है दिस इज अ प्रिपरेशन मेथड राइट सो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्योरिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता डायलिसिस करते हैं हम प्योरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रो डायलिसिस हम करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं पेप्टाइजेशन नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रिपरेशन मेथड है यानी कोलोइड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है इससे तो आंसर तो हो गया फोर्थ अब मुझे फटाफट फड़ तुम बताओगे इलेक्ट्रो डायलिसिस और डायलिसिस में क्या फर्क होता है गुड मॉर्निंग अंशु इलेक्ट्रो डायलिसिस एंड डायलिसिस में वॉट इज दीबडी इन चैट बॉक्स हरिया देखते हैं कौन पहले आंसर करता है ये सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है कल वाले लेक्चर में हमने एनसीआरटी से सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लिया था आज वाले लेक्चर में हम उसको क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं मतलब हम सरफेस केमिस्ट्री कल भी पढ़ रहे थे आज भी पढ़ रहे हैं बट आज हमने उसके क्वेश्चन देखे हैं क्योंकि अगर हमें थ्योरी आती है तो हम क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे ये भी आना चाहिए यस yes. डिफरेंस बताना है आपको कि इलेक्ट्रो डायलिसिस और डायलिसिस में क्या डिफरेंस है एक डिफरेंस आ चुका है मेरे पास वो डिफरेंस क्या है सबसे पहले आंसर किया था सबसे पहले आंसर किसने किया था ये कल्पना ने मेरे पास सबसे पहले आंसर कल्पना का आया है कि इलेक्ट्रो डायलिसिस इज फास्टर देन डायलिसिस बहुत ही बढ़िया फिर आयुष बोल रहा है इलेक्ट्रो डायलिसिस जल्दी करता है डायलिसिस बहुत ही बढ़िया ओके यस तो सब यही आंसर कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल कर लिया है तुमने इलेक्ट्रो डायलिसिस देखो ये तो कॉमन सेंस है मुझे नाम में दिख रहा है कि इसमें इलेक्ट्रो डायलिसिस हो रहा है अब देखो एक बच्चे ने आंसर किया मुझे नाम नहीं याद मैंने पूछा इसमें डिफरेंस क्या है उसने नाम से ढूंढा है मैम इसमें इलेक्ट्रो यूज होता है डायलिसिस करने के लिए तो इलेक्ट्रो यूज हो रहा है डायलिसिस में तो बन गया इलेक्ट्रो डायलिसिस ये होता है संधि विच्छेद वाले बच्चे ये करेंगे संधि विच्छेद चलो बहुत ही बढ़िया सो इलेक्ट्रो डायलिसिस में नाम से हमें समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा अच्छे से कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं सो so, हम इलेक्ट्रो यूज नहीं कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे चले जाते हैं तो अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे तो वो फास्ट हो जाएगा तो जिन्होंने ये आंसर किया बहुत ही ज्यादा सही आंसर किया कि डायलिसिस स्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से या इलेक्ट्रिक फील्ड देने से जो इलेक्ट्रो डायलिसिस है ये कंपेरिटिवली फास्ट हो जाता है बहुत ही सही यस yes. चलिए आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे आओ कलॉइडल सॉल्यूशन कॉमनली यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज ये एनसीआरटी की लाइन है अगर आप एन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता होगा थरली बहुत ध्यान से पढ़ोगे कुछ कुछ ऐसी पॉइंट जरूर मिलेंगे यस yes. सो so, अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन है बेसिकली जो आई डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है ओके सो आयुष का आंसर बिल्कुल सही है अनुश्री इज गिविंग राइट आंसर शनि कुमार बिल्कुल सही राहुल बिल्कुल सही सिद्धि खुशी अयन नीतू बिल्कुल सही और आयुष ने तो नाम भी बता दिया है थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इट इज नॉट आर्ट इट इज ठीक है सो बिल्कुल सही आंसर दिया सिल्वर का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है दैट इज इन ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीजेस यानी अगर आप देखोगे कि जो आई के ड्रॉप्स होते, होते हैं आई ड्रॉप्स होते हैं उनमें भी सिल्वर का कोलॉइडल सोल यूज किया जाता है एंड इट इज नोन एज आर्गी ठीक है बिल्कुल सही चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा सोचोगे और आपको पर्टिकुलर जो सोल है उसका नेचर पता होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में मेरे पास जो क्लोइडल सोल गिवन है मुझे उसका नेचर पता होना चाहिए यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा क्योंकि जो चार्ज इसके ऊपर आएगा उसके ऑपोजिट चार्ज से मुझे देखना है कि कॉगुलेशन किससे बढ़िया होगा तो पहले तुम तो मुझे सबके सब ये बताओ कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है पहले ये डिस्कस करते हैं आंसर तो आ गया है सबका अलग अलग आंसर आ रहा है पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सिल्वर सॉरी सिल्वर कह रही हूं आर्सेनिक सल्फाइड आर्सेनिक सल्फाइड किस टाइप का सोल है आपको पहले ये बताना है ये कौन से टाइप का सोल है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा यस बिल्कुल सही सो so, कल्पना का आंसर सही है आयुष का भी आंसर सही है अयान ने पहले बताया सो दिस इज अ नेगेटिव सोल क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सल्फाइड्स हैं वो नेगेटिव सोल होते हैं तो ये नेगेटिव सोल है अब मुझे इसे कोगुलेट कराने के लिए मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट बताना है मोस्ट इफेक्टेड बेटा वो होगा जो अच्छा केमिकल माना जाए अच्छा केमिकल वो होगा जो कम अमाउंट में लगे यानी मोस्ट इफेक्टिव का मतलब मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसका लीस्ट कोगुलेटिंग वैल्यू हो सो कोगुलेटिंग वैल्यू लीस्ट होने का मतलब उसकी मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर हो क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिक वैल्यू जिसकी पावर ज्यादा उसकी वैल्यू कम राइट अब पावर किसकी देखोगे पावर देखोगे कैटायन की ये बात भी क्लियर रखनी है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो कैटायन चाहिए ज्यादा पावर वाला तो यहाँ पे तो सोडियम है दिस इज एन ए प्लस यहाँ पे जिंक है दैट इज जिंक जेड एन ए प्लस टू यहाँ पे भी जिंक है जेड एन प्लस टू और यहाँ पे एल्यूमिनियम है ए एल प्लस थ्री सो सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा सबसे बढ़िया कौन सा है जिसका पावर सबसे ज्यादा हो दैट इज चार्ज यानी प्लस वाला ये सबसे कम अमाउंट में यूज होगा यानी ये सबसे बढ़िया होगा सो मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कोगुलेशन दैट इज आर्सेनिक सल्फाइड वो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ सो so, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने फोर्थ आंसर मार्क किया बिल्कुल सही आगे चलते हैं Now this question. ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था अब आपको बताना है कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड से कौन सा मटालिक सोल नहीं बन सकता यस yes. बिल्कुल सही ध्यान से देख के आंसर करना है यस yes. सब आंसर सही कर रहे हैं यस इट इज सोडियम डेफिनेटली इट इज सोडियम क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रेडिक्स आक मेथड है ये इनर्ट मेटल्स के कोलॉइडल सोल्स को बनाता है सो इनर्ट मेटल के सोल्स इससे प्रिपेयर होते हैं सो इनर्ट मेटल्स में अभी हमने देखा था सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम आता है अब सोडियम है तो ये इसके कोलाइडल सोल इससे प्रिपेयर नहीं हो सकते अब मुझे फटाफट -फड़ ये बताओगे ब्रेडिक्स आग की बात हो रही है तो ब्रेडिक्स आग के बारे में और बात कर लेते हैं ब्रेडिक्स आग मेथड जो कोलाइडल सोल बनाने के लिए यूज होता है इसे और क्या कहते हैं वट इज दिस पर्टिकुलर मेथड फटाफट अदर नेम इसका और क्या नाम है मैंने कल बताया भी था कि चिंटू बिंटू इसी के नाम है याद करो वो चिंटू बिंटू क्या है यस yes, सात्विक ने बिल्कुल सही बोला इट इज इलेक्ट्रिकल डिस इंटीग्रेशन सो इलेक्ट्रिक डिस इंटीग्रेशन या इलेक्ट्रिकल डिस इंटीग्रेशन बोल सकते हैं सो so, सात्विक का आंसर सही है कल्पना आयान शाकिर राहुल बहुत ही सही तो सबने आंसर किया है सही दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस इंटीग्रेशन ये एनसीआरटी में लिखा है बेटा पूछ सकते हैं वो सो इलेक्ट्रिकल डिस इंटीग्रेशन देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा बन जाएगा जिसमें वो आपको नाम पूछ लेंगे एक ऑप्शन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया इस क्वेश्चन में ब्रेडिक्साक मेथड लिखेंगे तो तुम तो फटाफट पहचान जाओगे वो इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस लिख सकते हैं मतलब दे आर नॉट आस्किंग वॉट इज अदर नेम द्रेडिक साक मेथड क्योंकि ब्रेडिक साक मेथड ज्यादा पॉपुलर है तो क्वेश्चन को इलेक्ट्रिकल डिस से बनाया जा सकता है सो so, इलेक्ट्रिकल डिस इंटीग्रेशन भी ब्रेडिक है क्लियर ठीक है ये समझ में आ गया अब चले आगे ठीक है अब आगे चलते हैं अब आओ यहां पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको बताना है कि किस टाइप का

अब हमें अभी अभी हमने सोचा समझा था कि जो फेरिक क्लोराइड या जो भी क्लोइडल सोल है वो अपने सरफेस पे कॉमन आयन को एब्सॉर्ब करेगा तो तुमने यहाँ पे क्या किया है फेरिक क्लोराइड को एन में एड कर दिया तो ये यह यहाँ से जो क्लोइडल सोल बनेगा वो क्या बनेगा वो बनेगा बेटा Fe2O3.xH2O मतलब ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन रहा है जिसको आप ऐसे समझ सकते हो यू कैन टेक दिस एज फेरिक हाइड्रोक्साइड अब एक चीज ध्यान से समझो एनसीआर में ऐसे लिखा हुआ है NCRT के केस में अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो कोलाइडल सोल का फॉर्मूला लिखा है वो ऐसे लिखा है तो जो भी कोई हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड बोल सकते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ लो एफ एच होल्थराइस अब अगर ये कोलाइडल सोल बन गया इस कोलाइडल सोल के पास एक्स्ट्रा आयंस कौन से होंगे क्योंकि ये हमारा मेन सॉल्वेंट था यानी इसके अंदर हमने ये डिजोल्व किया तो NaOH बेसिकली एक्सेस में है तो NaOH बहुत सारे OH- देगा तो ये अपने सरफेस पे OH- एड्सॉर्ब कर लेगा यस एंड OH- अगर एड्सॉर्ब हो गया सो दैट मींस ये अपने सरफेस पे OH- एड्सॉर्ब करने की वजह से नेगेटिवली चार्ज है तो आपको वो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में तो सबको ये क्लियरली नजर आ गया दैट मींस यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है राइट right? चलिए क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे तो दिख रहा है क्लियर किसी और को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर नहीं दिख रहा है ये स्क्रीन क्लियर है ना मैं क्लियर दिखू ना दिखूं ये जो स्लाइड चल रही है ये क्लियर दिखनी चाहिए ओके चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं फिर देखते हैं कि क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा अब देख लो ये क्वेश्चन सबको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दी एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस केटलिस अब देखो यहाँ पे मैंने कल बताया था तुम्हें जब सर्विस पढ़ाया था कि बेटा ऐसा हो सकता है कि वो रिएक्शन लिख के ना दे वो रिएक्शन ना लिख के दे क्योंकि पी ब्लॉक आपके सिलेबस में है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे यू नो द रियक्शन एंड वो डायरेक्टली पूछेंगे कि कौन सा रिएक्शन होमोजीनियस या हाइट्रोजीनियस है अब होमोजीनियस और हाइट्रोजीनियस बताना इनमें से कौन है ध्यान से देख लो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस केटेलिस यस yes, बिल्कुल सही अब यहाँ पे कैटलिस्ट अगर देखोगे देखो हेबर्स प्रोसेस की बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस से जब हम अमोनिया बनाते हैं तो कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है आयरन अब आयरन यूज हो रहा है तो आयरन तो सॉलिड होगा फिर अगर हम NO की बात करते हैं ऑस्फर्ड प्रोसेस में तो ऑस्फल प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है बताइए पहले एक एक करके सबको देख लेते हैं ना तो फॉर्मेशन ऑफ एनो इन दी ऑस्फर्ल प्रोसेस इसमें क्या कैटलिस्ट यूज होता है जैसे मैंने हेबर्स प्रोसेस का बताया आयरन यूज होता है, बिल्कुल सही। so platinum. So platinum किया है तो प्लेटिनम भी क्या होगा सॉलिड होगा यस yes. अब उसके बाद आ जाओ थर्ड वाले केस में थर्ड ऑप्शन में बोला हैटलिज यू विल यूज इन दी फॉर्मेशन ऑफ एसओ थ्री इन दी लेड चैम्बर प्रोसेस सो लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर एसो थ्री जब बनता है तो क्या कैटलिस्ट यूज होता है हाँ प्लेटिनाइज एसबेस्ट्रोज भी सही है मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे इन डिटेल नहीं जाना हमें देखना है कि उसका स्टेट क्या है तो आप उसको प्लेटिनम मान सकते हो या फिर प्लेटिनाइज एसबेस्ट्रोज मान सकते हो दोनों केसेस में इट इज सॉलिड ये हमें क्लियर है अब यहाँ पे आओ फॉर्मेशन में एसओ थ्री जब लेड चैम्बर में बनता है तो क्या उसमें यूज होता है यस इट इज एनओ तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनओ NO यूज होगा So, किस, किस तो बनेगा ये? ये बनेगा so, हमें रियाक्टेंट का फिजिकल स्टेट देखना होता है तो रियाक्टेंट एसओ टू और ओ टू है ये भी गैस है एंड एनो NO भी गैस है एंड ये बनाएगा एसओ थ्री जो भी गैस है तो so, इसके प्रोडक्ट से तो कोई मतलब नहीं है हमें हमें है रिएक्टेंट्स का जो आ, फिजिकल स्टेट है और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम है या नहीं अब अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कौन मैन्युफैक्चर होता है पहले तो ये बताओ कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कौन मैन्युफैक्चर होता है किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस यूज करते हैं हरिअपैक्ट प्रोसेस में किसका मैन्युफैक्चर होता है पहले ये बताओ ध्यान से देखो रवि प्रकाश गुप्ता कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं एच एन ओ थ्री तो ऑस्फर्ड प्रोसेस से बन जाता है ना ये है सो एच एन ओ थ्री बनाने के लिए हमें ऑस्फर्ड प्रोसेस करना होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस बन, आ, यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज एच टू फोर अब इसके केस में अगर हम कैटलिस्ट की बात करें सो वट कैटलिस्ट यू यूज वी टू ओ फाइव यस तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो बी टू ओ फाइव यूज होता है तो होमोजीनियस किस में हो रहा है तो होमोजीनियस हो रहा है थर्ड में तो पहले सब आंसर कर चुके थे इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड सब ने सही आंसर किया था हमने दो चार बातें और रिवाइज कर ली कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का किसके लिए यूज हो रहा है एंड क्या उसमें कैटलिस्ट है राइट चलिए आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे आते हैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है जल्दीबाजी नहीं करनी है एग्जाम में भी अपनी हैबिट बनाओगे देखो जो एग्जाम वाला दिन है ना वो बाकी दिनों की तरह ही होता है बट फॉर दैट यू हैव टू लिव दैट डे इन द सेम पैटर्न ईच डे यू हैव टू लिव इन द सेम मैनर ये नहीं है कि आज हम क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और पेपर में हम एकदम से जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस में लेके आना है अपने आप को कि मैं क्वेश्चन बहुत शांत दिमाग से ही पढ़ू ताकि हर एक इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन की दिमाग में स्टेबल हो जाए देती हूँ जब भी क्वेश्चन रीड करो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे अंडरलाइन कर लो कि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी बतानी है यस yes, बिल्कुल सही तो हाँ, आंसर आ चुका है बिल्कुल सही दैट इट इज टिंडल इफेक्ट क्योंकि टिंडल इफेक्ट का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है कॉगुलेशन में चार्ज का लेना देना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज का लेना देना है एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में भी चार्ज का लेना देना है सो so, चार्ज का लेना देना कहां नहीं है ये बताना है दैट इट इज टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट क्या होता है पहले आप बताओ वैसे मैं बता चुकी हूं अब तुम बताओगे टिंडल इफेक्ट क्या है वॉट इज टिंडल इफेक्ट साथ साथ पूरा सरफेस रिवाइज करना है तो जिस क्वेश्चन में दो दो चार और काम की बातें याद आ जाएं वो साथ साथ और रिकॉल हो जाएं टिंडल इफेक्ट क्या है अप एवरीबडी इन दी बॉक्स ये मान के बैठो कि तुमने तो अभी ताजा ताजा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है इंडल इफेक्ट क्या होता है कल पढ़ा है अभी कल पढ़ के आज तो भूल ही नहीं सकते हम और आज के सेशन में भी अभी मैंने बताया था हाँ बिल्कुल कुछ इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अरेंज किए उनमें से सम क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन ओनली यस बिल्कुल सही सो so आंसर करना सबसे पहले स्टार्ट किया था नवनीत ने सो so नवनीत का आंसर बिल्कुल सही है इट ऑफ लाइट बिल्कुल सही, कल्पना का भी आंसर सही है अयान का भी आंसर सही है स्वाति राहुल अजय अभी, राज बिल्कुल सही सात्विक ने भी आंसर सही दिया है नेहा अयान अजीत कुमार रवि प्रकाश स्मृति यानी सबको समझ में आ गया है अगर हम शॉर्ट में इसको समझे तो टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है बिकॉज ऑफ दी कोलॉयडल पार्टिकल्स तो जो एटमॉस्फेयर में कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से भी लाइट स्कैटर होती है एंड अगर हम किसी कोलॉयड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो भी लाइट को स्कैटर कर देता है टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशंस एनसीईआरटी में लिखी हैं ये बात ध्यान से सोचो समझो और बताओ टिंडल इफेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशन है जो एनसीआर में लिखी है पहली कंडीशन उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए जो डिस्पर्शन मीडियम है एंड जो डिस्पर्स फेज है यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए ये कंडीशन है दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल का है और जो वेवलेंथ हम स्कैटर करना चाहते हैं लाइट की वो बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस ना हो मतलब इट शुड बी कंपेरेबल तो जो वेवलेंथ आप स्कैटर करना चाहते हो एंड जो पार्टिकल का साइज है ये होना चाहिए कंपेरेबल यस yes, बिल्कुल सही तो ये दो कंडीशंस हैं जो टिंडल इफेक्ट के लिए जरूरी हैं अगर ऐसा होता है तो लाइट स्कैटर डेफिनेटली होगी टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था ये बताओ आई सपोज एन में लिखा है ये नहीं भी लिखा होगा तो मैं बता दूंगी टिंडल इफेक्ट अगर आपको पता है टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया मतलब अब मैं कुछ समझा नहीं पा रही हूँ लेकिन मैंने देखा है सबसे पहले ये होते हुए यस कल्पना बिल्कुल सही <laughs> नवनीत <की। laughs> टिंडल जी ने टिंडल जी ने सबसे पहले देखा नहीं है बेटा यही तो खासियत है टिंडल इफेक्ट की ये टिंडल जी ने सबसे पहले देखा नहीं है इसको सबसे पहले इसको फेरेडे जी ने देखा है तो फेरेडे जी सबसे पहले इसको देख चुके थे लेकिन उन्हें समझ कछु ना आया अब फैरडे दे जी देख तो चुके हैं समझ तो पा नहीं रहे हैं कि भाई क्या ही हो रहा है तो एक्सप्लेन किया टिंडल जी ने तो फेरेडे जी ने देख दाख के बैठ गए अपना शान कुछ समझ नहीं आया छोड़ दिया अब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा होता है हमें भी समझ नहीं आता है ना हमारे आसपास इतनी सारी चीजें होती हैं हमें समझ नहीं आता क्यों हो रही है तो वो हम जैसे लोग फेरेडे जी अब कोई और जो समझ समझ के हमें समझा पाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है तो फिर वो है टिंडल जी सो so, टिंडल जी ने एक्सप्लेन किया है ये टिंडल जिंडल क्यों बन गया है रुको मिनट सो so, टिंडल जी ने वो एक्सप्लेन किया सो so, अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन किसने किया देन इट इज टिंडल एंड ऑब्जर्व किसने किया दैट इट इज फैरडे यस हाँ चलिए आगे चल हैं अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन का आंसर करो विच वन ऑफ स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटेलिस ध्यान से पढ़ लेना सारी स्टेटमेंट्स फिर आंसर करना सारी की सारी स्टेटमेंट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ो फिर आंसर करो देखो तुम स्टेटमेंट पढ़ लो और तुम्हें क्या चाहिए वो भी देख लो तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए इनकरेक्ट ये भी ध्यान रखना ध्यान से पढ़ो ध्यान से एक दूसरे के चक्कर में आंसर कर ही जा रहे हो अब देखो यहां पे सबसे पहले हम सारी स्टेटमेंट रीड करते हैं हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ये हमने पढ़ लिया एंजाइम्स आर डी रेज एट एंड एट हाई टेम्परेचर ये तो सही है

तो सबने इसका आंसर सही दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ दिस क्वेश्चन अ प्लॉट ऑफ लॉग पी फॉर एड्पन ऑफ गैस ऑन दी सॉलिड गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ आपको स्लोप बताना है इस लाइन का क्या होगा कौन सा ग्राफ है लॉग एक्स अपॉन एम एंड लॉग पी इसका स्लोप बताना है देखो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है ये है फ्रेंडले चाइसोथर्म ये इक्वेशन लिख दी अब इस इक्वेशन में लॉग लगा दो तो ये बन जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम ये बन जाएगा यहाँ लॉग पी ये इक्वेशन आ गई अब इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हो इस तरीके से ये बन जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम यहाँ पे वन बाय एन आ जाएगा ये हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग के नाउ इफ आई कंपेयर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यानी y is equal to mx plus c. अब ये अगर मैंने कंपेयर कर लिया है सो आई नो y एक्सेस पे अगर x अपॉन m प्लॉट किया जाए एंड x एक्सेस पे log p प्लॉट किया जाए तो c यानी कि log के उसका इंटरसेप्ट बन जाता है एंड वन बाय एन बन जाता है उसका स्लोप तो हमें स्लोप बताना है यानी स्लोप की वैल्यू आ गई वन बाय एन यस बिल्कुल सही तो आंसर हमारा आ गया थर्ड ऑप्शन दैट इट इज वन बाय एन इतना क्लियर है सबने इसका आंसर सही किया है मैंने इक्वेशन पूरी डिराइव इसलिए की है ताकि तुम इसको कंपेयर कर सको कि इंटरसेप्ट पूछे तो लॉग के आंसर है एंड स्लोप पूछे तो वन बाय एन आंसर है यस yes, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे नाउ दिस इज द क्वेश्चन अगेन रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं अगर आप सीधा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हो अगर ऑलरेडी एक बार आपने पढ़ा हुआ है ओनली थिंग यू नीड इज क्वेश्चन बेस्ड रिविजन क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता भी चल जाता है कि पूरे चैप्टर में कौन सा पर्टिकुलर सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो कौन सा टॉपिक सब इंपॉर्टेंट जब सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये हमें क्वेश्चन से पता चलता है आंसर करेंगे यस yes, राहुल का आंसर सही है साक्षी का सही आंसर सात्विक बिल्कुल सही रवि आयुष, प्रीति परवेश नीतू रितेश नेहा गुड रवि प्रकाश बिल्कुल सही यानी सब आंसर सही कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया हो गया पोजिशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन द मिशल। सो जो मिशल फॉर्मेशन होता है उसमें नॉन पोलर और पोलर पार्ट का क्या पोजिशन होता है तो हमारे पास अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से एसोसिएटेड बनते हैं जिन्हें हम मिश्र बोलते हैं लाइक दिस like अब इसमें ये जो बाहर वाली साइड है ये हमारे पास पोलर हेड ग्रुप होता है यानी ये वाला जो साइड है है ये पोलर हेड ग्रुप एंड जो उसका नॉन पोलर टेल ग्रुप होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है यानी अंदर की साइड पे ये जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है ये अंदर जा रही हैं, यानी अंदर वाली साइड इंट्रेक्शन कैसी है नॉन पोलर अंदर so, की तरफ नॉन पोलर इंट्रैक्शन है एंड बाहर की तरफ पोलर इंट्रैक्शन है सो पोलर एट आउटर सर्फेस एंड नॉन पोलर एट इनर सर्फेस बिल्कुल सही ऑप्शन है यानी फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट राइट चलिए आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे आओ ध्यान से बिल्कुल दिमाग लगाने वाला सवाल बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे आंसर आ जाएगा इफ यू नो कंडीशंस ध्यान से देख के बिल्कुल आंसर करना है ओके okay, अयान परवेश नवनीत रुपेश महमूद बिल्कुल सही अयान का भी आंसर सही है राहुल बिल्कुल सही प्रशांत साक्षी यस तो सब आंसर सही से कर रहे हैं देखो अब इस केस में आपको एक सिंपल कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब हम फ्रेंडलेज इक्वेशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें रेंज होती है वन से एन मतलब वन बाय एन की रेंज होती है जीरो से वन तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो यहाँ वन बाय एन आता है इसका रेंज होता है जीरो से वन तो जीरो से वन में जीरो और वन दोनों इंक्लूड होते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हो अब आपको जीरो से वन के बीच में कोई नंबर चाहिए या तो जीरो चाहिए या तो वन चाहिए या उसके बीच का नंबर चाहिए टू पॉइंट फाइव नहीं हो सकता माइनस वन नहीं हो सकता माइनस जीरो पॉइंट फाइव नहीं हो सकता जीरो पॉइंट थ्री हो सकता है दैट मीनस ये वाला एक्सप्रेशन सही है राइट right? बिल्कुल सही तो अगर हमें ये रेंज पता है तो हम रेंज के बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं मतलब ये देखो एक इनोवेटिव सवाल है इनोवेटिव सवाल क्या डायरेक्टली बच्चे ने रेंज तो याद की हुई है लेकिन क्या वो उस याद की हुई रेंज को अप्लाई कर सकता है कि नहीं कुछ बच्चे होते हैं जो चीजों को अच्छे से रट लेते हैं कि रेंज पूछी जाएगी तो हम ये बता देंगे अब दिमाग नहीं लगा पाते तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन जब दिखता है जिसमें आपका रटा रुआ पार्ट हो जाए तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है सो आई 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 नो हैव टू यूज इट एंड वो आना भी चाहिए हाउ यू हैव टू यूज इट बहुत ही बढ़िया चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे विच वन ऑफ दी फॉलोइंग देंट इज नॉट करेक्ट अब ध्यान से पढ़ लेना सारी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट ढूंढनी है तो जब क्वेश्चन फर्स्ट टाइम रीड करो सो नॉट करेक्ट को तुमने अंडरलाइन कर लेना है सो so, जो नॉट करेक्ट है वो मैंने अंडरलाइन कर लिया जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट पढ़ी में कह रहा है इनोवेशन एंड यू यस बिल्कुल इनोवेशन एंड यू ये ये एड का प्रचार बहुत करते हैं कितने सारे बच्चे बातों में एड चीजें बेचने लगते हैं यस yes, सब इसका आंसर सही दे रहे हैं ये तो बहुत ही बढ़िया ऐसा तो लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रट के बैठे आंसर सो नॉट करेक्ट अब एक बात और मेरी सुनो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जिसका आंसर तुमने अच्छे से रट रखा है तो वो क्वेश्चन जब तो पेपर में अगर दोबारा दिख जाए तो उसको अच्छे से रीड कर लेना ऐसा हो सकता है कि वो एकदम सेम शक्ल वाला क्वेश्चन दोबारा दे दें और उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर दें और तुम वो थोड़ा सा चेंज अगर नहीं नोटिस कर पाए तो तुम रटे हुए कंसेप्ट पे चलोगे और फटाफट आंसर मार्क कर दोगे ये बहुत बार ऐसे होता है कि हमने एक क्वेश्चन बहुत बार देख रखा है वैसा सा मिलता जुलता पेपर में दिख जाता है तो हम मार्क कर देते हैं आंसर लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाए तो 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 आंसर बदल भी जाता है तो चीज पेपर में ध्यान रखना अभी की तो ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वैसे मैं पेपर के लिए बता रही हूँ करेक्ट so तो हमें इनकरेक्ट बतानी है फर्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चलो भाई कैटलिस्ट से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है बिल्कुल नहीं होता क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो के एफ को और KB को बराबर तरीके से इफेक्ट करता है एंड जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है बाय तो को, सिर्फ इक्विब्रियम जल्दी अटेन कराने में हेल्प करता है यानी इक्विब्रियम टाइम को चेंज करता है इक्लिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता तो यहां पे लिखा है इट इज चेंज्ड तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई तो आंसर तो मिल ही गया बाकी स्टेटमेंट अब सही होनी चाहिए मुझे पढ़ के देखना है एंजाइम कैटालाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस स्टेटमेंट सही है कोएंजाइम्स इंक्रीज दी कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ये भी सही है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन ये भी सही है तो ये तीन स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा यस yes. चलो सो so, इसलिए मैं बता रही हूं कि जो गलतियां बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं ये होती हैं ये थोड़ी अगर आप अपने आप को शांत रखोगे ना बहुत काम माइंड से पेपर दोगे तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगी यही सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं अब चलो यहाँ पे आओ प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलेक्ट सोल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ध्यान से देख के बताओ जो प्रोटेक्टिव पावर होती है वो किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है यस yes, ये yes, बिल्कुल सही सारे बच्चे एक साथ बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं तो मैं नाम सबका नहीं ले सकती हूँ सबने आंसर सही किया है यस इट इज गोल्ड नंबर तो अगर हमें प्रोटेक्टिव पावर की बात करनी है प्रोटेक्टिंग पावर की तो हम गोल्ड नंबर के फॉर्म में करते हैं गोल्ड नंबर अच्छा एक चीज और अभी मैंने बताई थी तुम मुझे बताओगे गोल्ड नंबर का प्रोटेक्टिंग पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स मतलब गोल्ड नंबर कम होने से प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी या गोल्ड नंबर ज्यादा होने से प्रोटेक्टिंग पावर होगी तुम बताओगे कि गोल्ड नंबर का प्रोटेक्टिव पावर के साथ किस टाइप का रिलेशन है यस इट इज इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल सो टू दी प्रोटेक्टिंग पावर सो बिल्कुल सही बोल रहे हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोटेक्टिंग पावर जिसका गोल्ड नंबर कम उसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा एब्सोल्युटली करेक्ट चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट सवाल विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉ डज डज हो सॉरी विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज दी कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड कोगुलेटिंग पावर किसी आयन का किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा ये आपको बताना है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डी कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड ओके कल्पना को ए लग रहा है मेजोरिटी को सी लग रहा है ध्यान से एक बार सी ऑप्शन भी देख लो कोई ऐसा बोथ वाला ऑप्शन दिखे तो उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए देखो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे कॉगुलेटिंग पावर की मैग्नीट्यूड ऑफ दी चार्ज ऑन दी आयन अलोन यानी सिर्फ चार्ज पे फर्क पड़ता है साइज ऑफ द आयन अलोन सिर्फ साइज पे फर्क पड़ता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑफ द आयन मैग्नीट्यूड और साइन दोनों पे फर्क पड़ता है साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन अलोन तो हमें तो भाई दोनों चीजें चाहिए क्योंकि कोगुलेट करवाना है तो हमें चार्ज का साइन भी देखना है एंड उसका मैग्नीट्यूड भी देखना है सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी जो पार्टिकल है उसके साइज से कोई लेना देना नहीं है हमें उसका साइन देखना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव एंड फिर हमें उसका मैग्नीट्यूड देखना है क्योंकि अगर जिस कोलाइडल सोल को तुम प्रेसिपिटेट करवाना या कोगुलेट करवाना चाहते हो अगर वो खुद नेगेटिवली चार्ज है तो उसको कोगुलेट कराने के लिए पॉजिटिव पार्टिकल्स लगेंगे और अगर जो कोलाइडल सोल है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको कोगुलेट करवाने के लिए नेगेटिव पार्टिकल्स लगेंगे राइट right? बहुत ही बढ़िया चलिए आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे चलो द टू कागुलट दिस पर्टिकुलर सोल अब तुम इस सोल को देखो और खुद ही समझो ये एक सोल दे रखा है इसके कागुलेशन के लिए ये कुछ पार्टिकल्स हैं उनका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है किसका कॉगुलेशन पावर का तो ये तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला वर्ड है कॉगुलेशन पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है फॉर दिस पर्टिकुलर सोल ओनली मस्ट वर्ड यूज होगा तो मैक्सिमम रॉन्ग स्टेटमेंट हाँ बिल्कुल तो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ओनली वर्ड यूज हो जाता है किसी स्टेटमेंट में तो मेजोरिटी टाइम्स वो स्टेटमेंट गलत होती है तो मेजोरिटी केसेस में ऐसा हो जाता है कि ओनली फैक्टर के साथ जो लाइंस हो वो सही नहीं होती हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं चलिए हाँ, पानी पीने गई मैम आवाज बंद हो गई अभी सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज चलो तो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है <coughs> अब देखो यहां पे देखते हैं हमें करना क्या था हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कोगुलेशन पावर को So, अगर हमारे पास इस तरीके का पार्टिकल है तो यहाँ पे जो ए जी प्लस आइन्स है इसकी वजह से ये सोल पॉजिटिवली चार्ज है तो भाई मेरी आवाज सुनाई दे रही है अगर मैं इतना धीरे बोलू तो <coughs> पहले ये बताना आवाज आ रही है मेरी हेलो रंजीत को सुनाई दे रहा है बाकियों को सुनाई दे रहा है अपने लैपटॉप का फोन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना क्या आ रही है आवाज अरे धीरे धीरे जाएगी देखो ये कोविड वाला कौन है भाई मतलब कोविड ने तो नॉर्मल खांसी जुकाम की वैल्यू खत्म कर दी है और खांसी जुकाम भी नहीं है मुझे बोल बोल के गला चौक हो गया है और बच्चे हाय कोविड ये एक ना पहले बीच में जोक आया था कि जब पहले लोग खांसी मारते थे खांसी आती थी उनको तो सब बोलते थे गॉड ब्लेस यू अब जब कोई खांसी लेता है तो उसे बोलते अरे दूर हो जा गॉड ब्लेस यू तो है ही नहीं बिल्कुल वही हो रहा है मेरे साथ आई कैन फील दैट मीम नाउ चलो <coughs> यहाँ पे देखो हमारे पास जो कोलॉइडल सोल है वो तो एजीआई का है एजीआई ने यहाँ पे सिल्वर के जो पार्टिकल्स हैं सिल्वर के पार्टिकल्स एड्जॉर्ब कर लिए यानी ये खुद तो बन गया पॉजिटिव सोल अगर ये खुद पॉजिटिव सोल बन गया है तो इसे कोगुलेट कराने के लिए हमें चाहिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में यहाँ पे सी एल माइनस है यहाँ पे सल्फेट है इस केस में यहां पे फॉस्फेट है एंड यहाँ पे, पे है फेरोसाइनाइड आयन सो फेरोसाइनाइड आयन हो गया ये अब यहाँ पे आपको किस पावर में अरेंज करना है कॉगुलेशन पावर में सो so, कॉगुलेशन पावर मतलब चार्ज जिसका सबसे ज्यादा वो है ये यानी अगर हम अरेंज करेंगे तो ये डिक्री ये ऑर्डर आएगा हमें डिक्रीजिंग चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे तो डी सी बी ए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है <laughs> हाँ ये सही है बिल्कुल सीमा ने बिल्कुल सही बात बोली है तेरी खांसी खांसी मेरी खांसी करो ना <laughs> ये तो टॉमी और कुत्ते वाला जोक है ना अब ये कोरोना पे भी बन गया है ये देखो इसी को इनोवेशन इसी इनोवेशन की हम बात कर रहे थे तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी नहीं नहीं तुम्हारा तुम्हारा कुत्ता टॉमी मेरा कुत्ता कुत्ता चलो बहुत ही बढ़िया तो अब समझ में आ गया है कि तुम्हारी खांसी खांसी मेरी खांसी कोरोना ये बहुत बढ़िया डायलॉग दिया सीमा तुमने मुझे मेरा दिल खुश हो गया है आज का मेरा दिन बना दिया है तुमने अब मैं पूरा दिन बेफिक्र थोड़ी बहुत खांसी कर सकती हूँ चलिए ग्रेट तो अब हमें ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है कि हमें ये आंसर टू मिल गया अगर ये कागुलटिंग पावर पूछ रहे थे बेटा ये चीज ध्यान रखना अगर ये कागुलटिंग वैल्यू पूछते तो कागुलटिंग वैल्यू आप अरेंज कर सकते थे आपको क्या करना था इस ऑर्डर को रिवर्स करना था क्योंकि जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसकी वैल्यू सबसे कम यूज होगी चलिए हाँ पार्टी जिस तरीके से वर्चुअली क्लासेस चल रही है वर्चुअली पार्टी जाओ खाओ बेटा ऐश करो जो खाना है खाओ बनाओ अपने घर में खाओ चलो अब आ जाओ यहां पे द रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है द रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉप्शन के लिए चार ऑप्शन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है अब कुछ पढ़ भी लो बहुत हो गया चलो थोड़ी देर बीच में एंटरटेनमेंट कर लिया मजा आया तुम्हें भी मुझे भी चलिए अब बैक टू पढ़ाई बहुत हो गई की बिल्कुल पैसे तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी बेटा मुझ जैसा कंजूस तुम्हें तो दुनिया में कहीं ना मिले <laughs> पैसे दे दो पेटीएम कर दो मैम चलो फटाफट आंसर दो तुम हमें सही आंसर दो हम तुम्हें उम्मीदें देंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा चलो बैक टू कोरोना अब यहाँ पे देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं कुछ बच्चे टू बोल रहे हैं कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं अब एक बार ध्यान से देख लेते हैं टू और फोर में कंफ्यूजन हो रही है दो आंसर आने लगते हैं मतलब कुछ कुछ और दिमाग चलेगा अब द रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपको बताना है सबसे पहली बात डिक्रीज इज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है नहीं अगर हम पार्टिकल को एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं जितना ज्यादा प्रेशर करेंगे उतना एक्सटेंट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि पूरा होता इसी पे बेस्ड है कि प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता एक्स बाई एम इट इज इंडिपेंडेंट एट हाई प्रेशर हाई प्रेशर पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ये सही है लेकिन हमें रेट के हिसाब से बात करना है तो ये सही हो सकता है आगे भी चलते हैं इज मैक्सिमम एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐसा कहीं नहीं है कि वन मैक्सिमम होगा ऑलवेज ऑफ प्रेशर। प्रेशर प्रेशर बढ़ाने से ये हमेशा बढ़ता है ये भी सही है हमें यहाँ पे रेट के हिसाब से बताना था तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर अच्छा अब देखो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलवेज इंक्रीजेज नहीं हम बोल सकते अब ये बात देखो ये वाला स्टेटमेंट फोर्थ वाला गलत हो जाएगा ना क्योंकि ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर नहीं बोल सकते हम यू नो ग्राफ इस तरीके का आता है अगर इस तरीके का ग्राफ आता है अपॉन और एक्सअपी का तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई ना अब आप प्रेशर बढ़ाते भी रहोगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉप्शन तो नहीं बढ़ रहा सो दैट मींस ऑलवेज वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी यस yes. सो so हमारा आंसर क्या आएगा आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग बात की है सो हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है ये बिल्कुल सही है सो so हमें चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन देखना है तो ऐसा करेक्ट देखना है जो बिल्कुल तरीके हर तरीके से सही हो हाँ बिल्कुल रंजीत सही बोल रहा है कि सर्टन प्रेशर के बाद ये एकदम कॉन्स्टेंट हो जाता है इंक्रीज नहीं होता ठीक है हाँ बहुत ही बढ़िया तो आपने मेन जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना है एंड आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो हर लिहाज से सही हो फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही तो है लेकिन ऑलवेज वाली कंडीशन लगा दी है तो सही नहीं है राइट right? चलिए मतलब हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जिन भी स्टेटमेंट्स में ओनली या ऑलवेज ऐसा कुछ वर्ड लिखा होता है उनके सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं नहीं होती। it comes with the conditions, कि ये 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 तो ये होगा होगा, ये होगा होगा। तो ये होगा, तो तो इसलिए हम always करके नहीं बोल सकते। बहुत limited situations है बहुत हैं हैं या लगेगा। चलिए आगे चलिए नाउ दिस क्वेश्चन अगेन सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन विच ऑफ सोल इज फॉर्मड ड्यू टू रिएक्शन अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सोल बनेगा ये बताना है मुझे ये दुनिया का सबसे टफ चैप्टर लगता है क्यों बेटा तुमने थर्मो और आयनिक इक्विब्रियम या इक्विब्रियम कभी पढ़ा ही नहीं कि सरफेस तुम्हें दुनिया का सबसे टफ चैप्टर लग रहा है सारी दुनिया एक तरफ ये सबसे आसान है बेटा अगर तुमने कभी आयनिक इक्विब्रियम और थर्मोकोल के देखा हो तो तुम्हें पता चलेगा सरफेस केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है यस yes, इसका आंसर अब बच्चे ए ए कर रहे हैं ए आंसर क्या सही है बिल्कुल सही यस yes, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में कौन सा रिएजेंट है एच सी एल तो जब ये रिएक्ट करेंगे देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है बनेगा तो यही तो बन तो जाएगा एस एन सी एल फोर अब एस एन सी एल फोर कौन से आयंस को एड्सॉर्ब करेगा सीएल को क्योंकि एक्सेस में एच सी एल है तो अगर एक्सेस में एच सी एल है तो सीएल माइनस आइंस करेगा तो ये जो सोल है ये कौन सा बन जाएगा फर्स्ट यस चलिए अब आगे आ जाओ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आंसर करना है मैं रीड नहीं कर रही हूँ क्वेश्चन क्योंकि फिर मैं रीड करती हूँ तो तुम्हें सुनाई दे जाता है और दिखाई भी देने लगता है पहले तुम अपने हिसाब से रीड करो यू सी क्वेश्चन एंड यू रीड इट एंड लेट मी नो द थर्मो तो मोस्ट इजी चैप्टर है किसी को टफ कैसे लग सकता है ये ये जो बाकी जनता यहां बैठी है है इसका जवाब दे सकती वी डोंट टू गेट देम स्टार्टेड इट इज लाइक कि हर किसी की अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी को कोई चैप्टर इजी लगता है किसी को कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है अलग अलग तरीके का माइंडसेट होता है ना बच्चों का किसी को न्यूमेरिकल वाला पार्ट अच्छा लगता है किसी को कंसेप्चुअल पार्ट अच्छा लगता है तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है आंसर फिर से वही आ रहा है दो तरीके के आंसर करने लगते हैं बच्चे क्योंकि देखो दो ही पॉसिबिलिटी होती है वो दो आंसर करने लगेंगे एक आधी जनता वन बोल रही है आधी जनता फोर बोल रही है अब वन और फोर में से डिसाइड कैसे करेंगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है मिनिमम फ्लॉकुलेशन वैल्यू फ्लॉकुलेशन कोगुलेशन एक ही बात है बेटा तुम्हारे लेवल पे कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन का एक ही बात, एक ही मतलब है अगर वो इसकी जगह एग्रीगेशन भी देते हैं तो भी एक ही बात है सो एग्रीगेशन फ्लॉकुलेशन कोगुलेशन सब एक ही मतलब है तुम्हें यहाँ पे वैल्यू बतानी है तो वैल्यू सबसे कम किसकी होगी जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा सो ऑप्शन यस फोर्थ so ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि आपको मिनिमम फ्लॉकुलेशन वैल्यू बतानी है यानी आपको बेसिकली कॉगुलेशन वैल्यू बतानी है एंड यू नो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर तो पावर सबसे ज्यादा किसकी है फोर माइनस की वजह से इसकी तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी यस सो आंसर हो जाएगा फोर्थ सिली मिस्टेक्स मत करना ऐसे ऑप्शंस मार्क कर दोगे गलत हो जाएगा बेमतलब इजी क्वेश्चन है तो उसको आसानी से जल्दी जल्दी सही सॉल्व करना है चलिए आगे चलिए पावर ऑफ एन इफेक्टिव आयन कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू हैज बीन इलास्ट्रेटेड बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इफेक्टिव आयन कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू दोल पार्टिकल है किससे इलास्ट्रेट हो रहा है ये यस yes, बिल्कुल सही सो so आंसर बिल्कुल सही दिया जा रहा है सात्विक ने सबसे पहले आंसर सही दिया है मेरे मेरे को जहां मिल, दिख रहा है उस हिसाब से बाकी सब भी सही आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे यहाँ पे गोल्ड नंबर में कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ बच्चे तो फोर्थ बोल रहे हैं तो ये तो आंसर बिल्कुल सही है गोल्ड नंबर में यहाँ पे प्रोटेक्टिंग की बात होती है प्रोटेक्टिंग ऑफ अ कोलॉडल सोल देखो एक बात को ध्यान से समझो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है उसको ध्यान से पहले समझो अगर मेरे पास एक कोलॉडल सोल है एक कोलाइडल सोल है इस क्लॉइडल सोल के ऊपर कुछ भी टाइप के पार्टिकल्स हैं मान लो इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं मैं इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करूंगी न्यूट्रलाइज करने के बाद मैं इस सोल को कोगुलेट करना स्टार्ट करूंगी जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये सोल के जो पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे अब अगर ये कोलॉडल सोल के पार्टिकल्स आपस में जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो बेटा इनका साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि एक पार्टिकल फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब मिल जाएंगे तो ओवरऑल साइज बढ़ जाएगा तो जब पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो वो तुम ऐसे सोचो कि ये पार्टिकल का साइज इतना बढ़ जाएगा कि हमें दिखने लगेगा बात को ध्यान से समझो मेरे पास एक कोलाइडल सोल है उसके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर न्यूट्रलाइज करके मैं उसे कॉगुलेट करवाना चाहती हूँ सो so, वंस कोगुलेशन विल स्टार्ट कोगुलेट होके पार्टिकल का ओवरऑल साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें जुड़ जाएंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स अगर जुड़ गए तो साइज बढ़ेगा यानी अब मुझे दिखने लगेगा ये कंसेप्ट होता है कॉगुलेशन का और जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं यानी गोल्ड नंबर की जब हम बात करते हैं तो हम कोलोइडल सोल को प्रोटेक्ट करते हैं मतलब मैं इस कोलाइडल सोल को एज इट इज रखना चाहती हूँ हम उसको कोगुलेट नहीं कराना चाहते हम उसको उसी फॉर्म में रखना चाहते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गोल्ड नंबर प्रोटेक्शन ऑफ दल सोल के बारे में डील करता है एंड कोगुलेशन कोलाइडल सोल को खराब करने के बारे में बात करता है क्योंकि अगर पार्टिकल कोगुलेट हो जाएगा तो कोगुलेट होके वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं रहेगा ना उसका साइज बढ़ जाएगा तो ये कंसेप्ट बहुत दिमाग में क्लियरली रखना है यहाँ पे कोगुलेशन की बात हो रही है तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये हार्डिश शूल रूल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो गोल्ड नंबर से आप इलस्ट्रेट नहीं कर सकते ठीक है अच्छा एक और चीज़ अभी देखो इसमें और भी गड़बड़ हो जाएगी इलास्ट्रेटेड बाय की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो ये हार्डिशज रूल है हार्डिसजूल रूल तो एक थ्योरेटिकल रूल है आप यहाँ पे अगर देखोगे तो गोल्ड नंबर वाला आंसर सही भी हो सकता है क्योंकि गोल्ड नंबर में हम गोल्ड के सोल से उसको इंट्रैक्ट करा के कोगुलेट करवाते हैं जैसे गोल्ड नंबर की अगर हम बात करें एक बार ये इस तरीके से भी क्वेश्चन को देख लेते हैं देखो हम गोल्ड नंबर में करते क्या है हमारे पास टेन परसेंट गोल्ड सोल होता है जिसमें हम अपना जो कोलॉयड है वो ऐड करते हैं एंड फिर हम उसको कोगुलेट होना स्टार्ट करवाते हैं तो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन हम कोई लायोफिलिक कोलॉइड उसमें ऐड करते हैं जो इस मेन कोलॉयड को प्रोटेक्ट करता है तो अगर हमें यहाँ पे इलस्ट्रेटेड बाय के हिसाब से चलना है तो फिर गोल्ड नंबर वाली बात सही हो जाएगी क्योंकि हार्डिशजुल रूल से हम कुछ इलस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं हार्डिशजुल रूल जो है ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल रूल है ये भी पॉइंट सही है तो इस एंगल से भी अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे इलस्ट्रेटेड बाय बोला है इलास्ट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज आप देख के बता सको इलास्ट्रेशन का यही मतलब होता है ना जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर सको रिलेट कर सको उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सको तो अगर हम उसको प्रूव कर सकते हैं तो गोल्ड नंबर से तो हम प्रूफ कर सकते हैं बिकॉज दैट इज एन एक्सपेरिमेंट लेकिन हार्डी शिजुल रूल तो एक थ्योरिटिकल स्टेटमेंट है वहां पे तो हम पावर और वैल्यू को रिलेट करते हैं तो हम उससे इलास्ट्रेट नहीं कर पाएंगे सो गोल्ड नंबर इससे बेटर ऑप्शन इसमें कंसिडर होगा क्योंकि यहां पे हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन हम उसको एक्सपेरिमेंटली डील कर सकते हैं राइट right? समझ में आई बात बिल्कुल सही है तो मेरे हिसाब से भी इसका आंसर गोल्ड नंबर होना चाहिए बिकॉज इलास्ट्रेटेड वर्ड लिखा है पहले मुझे भी लगा था कि हार्ड इल रूल होगा लेकिन अगर हम इलास्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इलास्ट्रेट नहीं होगा ये तो एक थियोरिटिकल स्टेटमेंट है जिसमें आपको रिलेट करना आता है बट आप इलस्ट्रेट कर सकते हो उस चीज को गोल्ड से गोल्ड नंबर से ठीक है राइट right. बिल्कुल सही चलिए आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे आओ इन दी हेबर्स प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया नाउ यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर प्लस प्लस फोर मार्क्स मिल गए हैं बोनस मिल गया है बोनस कोई ना मिलेगा बेटा बोनस तुम्हें तब मिलेगा जब क्वेश्चन में कोई गलती हो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी मुझे वो एकदम से लगा क्योंकि सबने इतना जल्दी जल्दी आंसर किया तो मुझे भी लगा फिर जब मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा यही चीज मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे जैसे मैंने जोर से पढ़ा तो मुझे इलस्ट्रेटेड से लगा इलास्ट्रेड थोड़ा हो रहा है हार्ड इश्यूज रूल से सो यू यू हैव टू डू द सेम थिंग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा अब इसमें देखो आंसर कर रहे हैं सब इन दी हेबस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया अमोनिया का अगर हम सिंथेसिस करते हैं प्रोसेस के तो उसमें आपको कैटलिस्ट और प्रोमोटर बताना है तो मोलिबिटनम उसका प्रोमोटर होता है एंड आयरन उसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये सेकेंड आंसर इज एप्सोल्यूटली करेक्ट फिर मैंने जब कल एन में पढ़ाया था तो मैंने एक और पॉइंट मार्क करवाया था जिसमें वहां पर लिखा है कि नाउ और डेज इंस्टेड ऑफ आयरन क्या यूज होता है एल्युमियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना, पोटासियम ऑक्साइड एंड एलु फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड एंड एल्यूमिना का मिक्सचर यूज होता है नाव अडेज तो वो भी ध्यान रखना ठीक है आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी सुलजे रूल दी फ्लॉकुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन इंक्रीजेज विथ सो जो फ्लॉकुलेटिंग पावर है किसी भी पर्टिकुलर आयन की वो किससे इंक्रीज होती है मतलब तुम्हें बेसिकली ऑप्शन करेक्ट बताना है कि जो फ्लॉकुलेटिंग पावर है वो कैसे रिलेट करती है साइज या चार्ज से नहीं मैंने सबका देख के आंसर चेंज नहीं कर दिया जब हमें एक नॉर्मल कंसेप्ट क्योंकि हमने जब कॉगुलेशन की बात होती है तो कॉगुलेशन में हम गोल्ड नंबर की बात नहीं करते ना तो जब हम कॉगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें लगता है कि कॉगुलेशन का कोई भी सवाल है तो वो हार्डिश रूल रूल का ही होगा तो वो मैंने सबका देख के नहीं सही किया था मैंने ये सोचा था कि हार्डिश रूल रूल से ही रिलेट होगा क्योंकि जैसे माइंड तुम्हारा चलता है वैसे ही टीचर का भी तो मैं भी तो इंसान हूँ मुझे भी ये लगेगा हाँ ये टॉपिक इससे रिलेटेड ही है लेकिन उस क्वेश्चन में एक वर्ड से क्वेश्चन का मतलब बदल गया उन्होंने बदल दिया मतलब एंड आपको एक वैसा ऑप्शन भी दिख रहा है जो बिल्कुल सही हो सकता है इसलिए फिर वहां पे मेरे को लगा कि आंसर फिर गोल्ड नंबर होना चाहिए ठीक है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ोगे और सारे ऑप्शन को एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब अगर मैं एक आंसर मार्क कर रही हूं दैट मीन्स बाकी सारे तो कतई नहीं है तभी मैं उस आंसर को मार्क कर रही हूँ तो जब उस तरीके से सोचने लगोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये भी हो सकता है अदरवाइज क्या होता है नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है हमें एक आंसर कोई दिख जाए वैसा जाना पहचाना सा तो हमें लगता है कि वही आंसर होगा जो बात मैं तुम्हें बोलती हूँ यस yes. तो यहाँ पे क्या होगा अकॉर्डिंग टू हार्डी रूल लॉ द फ्लॉकुलेटिंग पावर ऑफ आयन इंक्रीजेस विद तो आयन की जो पावर है फ्लॉकुलेटिंग पावर वो किससे इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीजेस विद साइज साइज का तो कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है हम जो यहाँ पे पावर को रिलेट करते हैं हम चार्ज से रिलेट करते हैं यानी तुम सीधा सीधा चार्ज वाले ऑप्शन पे आओगे साइज से तो हम रिलेट ही नहीं करते अब ये जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज यानी जो कागुलेटिंग पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज जिसका जितना ज्यादा चार्ज उसका उतना ज्यादा कागुलेटिंग पावर तो चार्ज के साथ इंक्रीज हो रहा है ये तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा समझ में आया ठीक है बिल्कुल सही तो so, यहाँ पे आंसर सबने डी बोला था बिल्कुल सही आंसर है बिकॉज इट इज इंक्रीज इन दी चार्ज तो हम उससे रिलेट कर देंगे चलिए आगे चलते हैं अगर चार्ज सेम है तो साइज से नहीं चार्ज सेम है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हमारे पास सिर्फ चार्ज के साथ रिलेशन है हम साइज से कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर चार्ज सेम है तो अगर उनका चार्ज सेम है तो अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले तो उनकी पावर भी सेम होगी ठीक है ज्योति क्लियर है अब यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स मीडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अब देखो यहाँ पे जो गलती मैंने पिछले क्वेश्चन में करी तुम भी एक्जैक्टली exactly वही गलती कर रहे हो तुमने बस एक जाना पहचाना वर्ड देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस और तुम आंसर मार्क कर रहे हो जबकि ये लाइन तो एनसीआरटी में भी दे रखी है वो वाला कंसेप्ट तो एनसीईआरटी में नहीं था चलो ये तो एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन दे रखी है यहाँ पे देखो डिस्पर्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम की बात हो रही है बेटा मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो जब डिस्पर्शन मीडियम अगर मूव करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसे हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं

सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन तो गलती मत करो ठीक है सो जो भी बच्चे जिन्होंने पहले फोर्थ आंसर किया था अब वो समझ गए हैं उनकी और मेरी नेचर बिल्कुल सेम है बिल्कुल वी आर ऑन सेम पेज बेटा आधा आधा वर्ड पढ़ते हम तभी ये जो तुम्हें लगता है ना कि मैं आप कैसे बता देती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ मैं भी आधा वर्ड पढ़ती हूँ आगे का तुम्हें खुद जोड़ ही लेती हूँ तो तुम्हें भी ध्यान रखना है कि हमने एक कॉमन कॉमन वर्ड देखा और हमने उसको आंसर बना दिया ऐसा नहीं करना ठीक है आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें आपका पूरा करियर डिपेंड करता है तो आपको उस पर बहुत फोकस करके पेपर देना है आधा अधूरा वर्ड पढ़ के एक कॉमन वर्ड देखते ही आंसर मार्क नहीं करना आपको देखना है कि पूरा स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को फिर रिलेट करो तो आंसर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होगा एंड मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने मेजॉरिटी ने आंसर फोर बोला था पहले और अब उसके बाद सबका आंसर फिर वन वन आ रहा है चलिए आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो अकॉर्डिंग टू दी आइसोथर्म एड्सन आइसोथर्म विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट हाँ बिल्कुल सही अचीवर बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो रहे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम कोलॉयडल पार्टिकल की मूवमेंट की बात कर रहे हैं जब हम सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ये राइट चलिए अब इसमें इसमें भी अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो तुम तो? अब देखना इसमें भी गलत सलत आंसर करेंगे इधर आओ तुम। तो, x upon M is equal to K P, P की one by N, one by N की पावर अब क्या रेंज होती है जीरो से लेके वन तक हो सकता है ना ये तो x अपॉन एम के पी इसकी पावर जीरो रख दो तो एनीथिंग रेस टू पावर जीरो भी चलता है यहाँ पे वन हो जाएगा पर यहाँ पे पावर जीरो के फॉर्म में लिखा है अगर यहाँ पे इसकी पावर वन हो जाए तो ये वन भी हो सकता है और वन बाय एन भी हो सकता है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जीरो से वन के बीच में एन, 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 वन बाय एन की वैल्यू होती है ना सो वन बाय एन की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होती है इंक्लूडिंग जीरो एंड इंक्लूडिंग वन अगर हम ग्राफ देखते हैं सो so, ग्राफ में भी मैंने बताया था कि ये तीन सेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हो एक्स अपॉन एम का पी वर्सेस ग्राफ अगर देखें इनिशियली लो प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी वन बाय एन की वैल्यू वन होती है हाई प्रेशर में वन बाय एन की वैल्यू जीरो होती है यस yes. तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा समझ में आया तो ध्यान रखना है कि वन बाय ये वाला जो रिलेशन है ये तो आपने पढ़ ही रखा है लेकिन इसके साथ आपने एन की रेंज भी पढ़ी है इस रेंज को अप्लाई करना आना चाहिए राइट right? ग्रेट तो जब आप ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी कि ये ये चीजें हम गलत कर सकते हैं आता हमें सब कुछ है बट हम अप्लाई करते वक्त उसे गलत कर देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब नहीं होगी गलती ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आएगा अब इस क्वेश्चन को आंसर करो फॉर दी दॉलेटिंग फॉर कॉगुलेटिंग कोलाइडल सोल ये हाँ पे सोल है विच ऑफ दी फॉलोइंग विल हैव दी लोएस्ट कागुलेशन वैल्यू सो लोएस्ट कागुलेशन वैल्यू इनमें से किसकी होगी सबसे पहले तो ये एक सल्फाइड है आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है अब ये एक नेगेटिव सोल है क्योंकि सल्फाइड्स नेगेटिव सोल होते हैं अब तुम्हें नेगेटिव सोल को कागुलेट कराना है दैट मीन्स तुम्हें पॉजिटिव पार्टिकल्स देखने हैं एंड उसके हिसाब से लोएस्ट कागुलेशन वैल्यू चाहिए सो so, कॉगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कागुलटिंग पावर जिसकी पावर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पावर मीन्स सबसे कम वैल्यू तो सबसे ज्यादा पावर केटायन की किसमें है वो तुम्हें बताना है यस एप्सोल्यूटली करेक्ट यस बिल्कुल सही ये आंसर क्या हो जाएगा डी बहुत ही सही तो ये आंसर हमारा डी हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड यस चलिए आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है गोल्ड नंबर ऑफ द प्रोटेक्टिव क्लोइ्स ए बी सी एंड डी ये कुछ गोल्ड नंबर दे रखे हैं इनमें से आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है फॉर द प्रोटेक्टिव पावर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबका ऑर्डर अरेंज करना है प्रोटेक्टिव पावर का अब इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं कोई बोल रहा है बी कोई बोल रहा है डी सेकेंड और फोर्थ सेकेंड और फोर्थ आंसर दो दो आंसर क्यों दे रहे हो देखो ध्यान से अभी मैंने बताया भी था कि गोल्ड नंबर के साथ अगर तुम्हें प्रोटेक्टिव पावर को अरेंज करना है तो प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा तो यहाँ पे सबसे कम गोल्ड नंबर कौन सा दिख रहा है जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो फाइव तो ये वैल्यू सबसे कम है ये वैल्यू अगर सबसे कम है लोएस्ट वैल्यू यानी प्रोटेक्टिव पावर इसकी सबसे ज्यादा है विच इज डी तो डी की वैल्यू सबसे ज्यादा है फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर अगर हम देखें तो इससे थोड़ा बड़ा नंबर है ये यानी कि आ जाएगा बी फिर उसके थोड़ा सा बड़ा नंबर देखें दैट इज पॉइंट वन यानी आएगा सी फिर यहाँ पे आ जाएगा ए सो so, ये मेरे पास ऑर्डर है ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है यानी उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम है तो ए सी बी डी आंसर आएगा सो ए सी बी डी आंसर हमारे पास कौन सा है सेकेंड ऑप्शन सो ए सी बी डी इज दी करेक्ट ऑप्शन अब कुछ बच्चे यहाँ पे टू के साथ साथ फोर भी बोल रहे थे अब फोर वाले क्या कर रहे थे फोर वालों को मैथ्स नहीं आ रहा जो आंसर फोर बोल रहे थे उनको सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन वो ये मैथ्स में ये वैल्यूज कंपेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि और तो कुछ उल्टा पुलटा लॉजिक लग नहीं रहा यहाँ है।, है ना और तो कोई लॉजिक नहीं है जस्ट दैट वैल्यूज कंपेयर नहीं कर पा रहे या वैल्यूज को ध्यान से देख ही नहीं रहे हो तो ये वैल्यूज को ध्यान से देख के कंपेयर करना और ये रिलेशन आपको बेसिकली यूज करना है आंसर आपका क्या आ जाएगा बी अनिकेत तुम्हारा आंसर डी कैसे आ रहा है चलिए आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे आओ ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड करके दे रखा है लेकिन कहीं किसी क्वेश्चन में बताया नहीं है तो ये आपको वो टेबल जो मैंने कर, बताया था कल वो लर्न करना पड़ेगा हो सकता है एग्जाम में वो आर्सेनिक सल्फाइड की जगह कोई और क्लोइल सोल दे दे तो तुम्हें उसका टाइप पता होना चाहिए ना कि वेदर दैट इज पॉजिटिव और दैट negative. ओनली देन यू कैन रिलेट अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है हमें यहाँ पे उनकी कॉगुलेशन वैल्यूज गिवेन है तो कॉगुलेशन वैल्यूज गिवेन है इनके बेस पे आपको उनकी पावर अरेन्ज करनी है तो जिसकी वैल्यू सबसे कम उसकी पावर सबसे ज्यादा वी नो दिस काकुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉगुलेशन पावर जिसकी वैल्यू सबसे कम है सबसे छोटा नंबर थर्ड वाला है थर्ड वाला सबसे छोटा नंबर यानी इसकी पावर सबसे ज्यादा है सो थर्ड वाले की पावर सबसे ज्यादा है फिर उसके बाद नंबर आएगा सेकेंड का फिर उसके बाद नंबर आएगा फर्स्ट का सो थ्री टू वन ये ऑप्शन चाहिए थ्री टू वन ऑप्शन किस में है डी में राइट तो इसका सबसे सबने इसका सही आंसर दिया है यस चलो सो टू थाउजेंड का क्वेश्चन था या जब का भी क्वेश्चन था पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो था तो आपको देखना है कि इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे बस एक चीज़ जो गलती कर सकते हो कि वहां पे तुम ये रिलेशन गलत सलत लगा दो या फिर तुम हो सकता है पेपर में ये पढ़ो ही ना क्योंकि जब हम एग्जाम में पेपर दे रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं बहुत सारे सीट पे सीट अच्छी, अच्छी नहीं है पंखा नहीं चल रहा गर्मी है पसीना है सो so ऑन तबीयत ही ठीक नहीं है उस दिन तो वैसे ही आधा दिमाग चलना बंद हो जाता है सो देर आर इन नंबर ऑफ रीजन जो आपका मेंटल स्टेबिलिटी इफेक्ट कर सकते हैं तो ये चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ लेना चलिए आगे चलते हैं द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग मैक्सिमम फ्लॉकुलेशन वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर सोल अब ये जो पर्टिकुलर सोल है ऐसे स्लैश करके लिखा है तो पता चल रहा है कि इसने एजी प्लस साइंस को अपने सर्फिस पे एडजॉर्ब किया है यानी मेरे पास जो क्लोइडल सोल है उसने अपने सरफेस पे एजी प्लस आइंस को एब्सॉर्ब किया है नाउ एजी प्लस आइंस को अगर ये अपने सरफेस पे एबजॉर्ब कर रहा है सो नाउ यू हैव टू टेल कि क्या ऐसा आयन है जिसका फ्लॉकुलेशन पावर यानी फ्लॉकुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा है मैक्सिमम फ्लॉकुलेशन वैल्यू अगेन सेम लॉजिक फ्लॉकुलेशन और कॉकुलेशन तो एक ही बात है सो वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू चाहिए मीन्स पावर हमें कम चाहिए तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये पॉजिटिव सोल है हमें एनायंस कंपेयर करने हैं और एनायंस में भी पावर सबसे कम चाहिए यस yes, बिल्कुल सही एनायंस में सबसे कम पावर वाला हमें दिख रहा है एन क्योंकि यहाँ पे सी माइनस है तो अगर मुझे यहाँ कंपेयर करना है सो फॉर फर्स्ट ऑप्शन सल्फेट है सीएल है <coughs> 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 आज गला साथ नहीं दे रहा है आज मैं कम बोलूंगी प्लीज बियर विद मी ये गो करोना के नारे लगाने लग जाते हैं चलो सीमा ने मेरा दिन बनाया था तुम्हारी खांसी खांसी मेरी खांसी कोरोना आंसर समझ में आ गया यहाँ पे बी ऑप्शन है चलिए आगे चलते हैं पानी तो पी लेती हूँ फिर तुम माइंड तो नहीं करोगे मैडम क्लास में पानी पी रही है मैं तो तुम्हारे चक्कर में पानी नहीं पी रही गर्म पानी तो पीती हूँ इतनी गर्मी में सोचो क्या दिन आ गए हैं टीचर्स को देखो गर्मी में भी गर्म पानी पीना पड़ता है चलो ओके अब तुम अगला क्वेश्चन करना मैं पानी पीती हूँ तो इसका आंसर तो एन है कंफर्म हो गया अगले सवाल पे चलते थोड़ा टाइम लगा लो क्वेश्चन करने को चलिए अब आ जाओ यहाँ पे गोल्ड सोल इज एन इलेक्ट्रो नेगेटिव सोल अब यहाँ पे देखो बता भी रखा है कि जो गोल्ड सोल है वो नेगेटिव सोल है अगर वो नहीं भी बताते तो तुम्हें वो टेबल याद करना है ताकि तुम्हें पता हो कि गोल्ड सोल नेगेटिव सोल है आगे चलते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कागुलेट अ सर्टन अमाउंट ऑफ गोल्ड सोल इन इज मिनिम इन देश ऑफ मतलब हमें बताना है कि कॉगुलेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है गोल्ड सोल को वो किसमें मिनिमम है मतलब बेसिकली आपको कागुलेशन वैल्यू ही बतानी है लेकिन किसमें मिनिमम है ये बतानी है तो मिनिमम कागुलेशन वैल्यू का मतलब जो कागुलेशन पावर है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए एंड क्योंकि ये नेगेटिव सोल है तो हमें कंपेयर किससे करना है केटायन से So, हमें यहाँ पे केटाइन से इसको रिलेट करना है तो केटाइन में देख लो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे कैल्शियम प्लस टू है एन ए प्लस है ए एल प्लस थ्री है एंड एन ए प्लस है अब मुझे चाहिए क्या बेसिकली मुझे चाहिए मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर होगी तो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो मैक्सिमम पावर किसकी है एल्यूमिनियम प्लस थ्री की यस क्लियर हो गया ये तो आंसर इसमें सी ऑप्शन है सबने इसका आंसर सही दिया है बस क्वेश्चन में उन्होंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड तो गोल्ड का सोल कोगुलेट कराने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट चाहिए वो हमें बतानी है किसमें मिनिमम है राइट ठीक है चलिए आगे चलते हैं ये टेस्ट वेस्ट की जो भी बातें कमेंट्स में लिख के पूछो कैसे होगा कैसे नहीं होगा ठीक है बस थोड़े बहुत सवाल और हैं जितना जल्दी तुम आंसर कर दोगे उतनी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी इट इज लाइक वी हैव टू कवर दी एंटायर सर्फेस केमिस्ट्री है ना ताकि सर्फेस केमिस्ट्री का कुछ बच ना जाए सो so, थोड़े से क्वेश्चन आए सपोज और होंगे टुवर्ड्स दी है चलो कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयंस ये देखो कॉगुलेटिंग पावर है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की ये स हमें दे रखे हैं इनका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है फॉर दी आर्सेनिक सल्फाइड अगेन आर्सेनिक सल्फाइड कैसा सोल है नेगेटिव है दो तीन सोल के क्वेश्चंस क्वेश्चन तुम देखोगे तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें यही सोल यूज हो रहा है आर्सेनिक सल्फाइड तो ये तो अब हमें रट ही गया है कि ये तो नेगेटिव सोल होता है दो चार और बचे हैं वो हम टेबल से याद कर लेंगे मुझे क्या अरेंज करना है मुझे पावर अरेंज करनी है ये भी पढ़ लिया तो पावर का ऑर्डर अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान से देख के आंसर दोगे द कोगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सो पावर सबसे कम किसकी होगी एन की फिर बी की फिर एल्यूमिनियम की ये पावर है तो हमारा आंसर बी हो गया यस yes. अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं अगर यहाँ पे पावर था तो आंसर बी था अगर यहाँ पे कॉगुलेटिंग वैल्यू होता तो आंसर क्या होता बेटा अगर यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना होता कॉगुलेटिंग वैल्यू का तो क्या आंसर बताते ध्यान से देखो यस yes. तब हमारा आंसर हो जाता ए क्योंकि जिसका पावर सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाती तो अगर मुझे कॉगुलेटिंग वैल्यू बताना होता तो मेरा आंसर फर्स्ट हो जाता यानी एल्यूमिनियम प्लस थ्री सबसे कम फिर यहाँ पे बेरियम प्लस टू फिर यहाँ पे एन ए प्लस एप्सोल्यूटली करेक्ट रिवर्स हो जाता तो पेपर में देखो ये भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है और ये भी एक ऑप्शन दिख रहा है अब ये दोनों में से कौन सा आंसर आप मार्क करते हो पेपर में ये डिपेंड करेगा कि ये वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ लिखे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुमने इसको क्या पढ़ा है उससे फर्क पड़ेगा क्या तुम इसको सही पढ़ पाए या तुमने इसी वर्ड को गलत पढ़ लिया तो आंसर तो दोनों ऑप्शंस होंगे सही आंसर उनमें से एक होगा सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो फिर आंसर करना क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विच वन ऑफ करेक्ट सो लेट्स सी कितना कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं ओके okay. उमर उमर का आंसर तो डी आ रहा है नीतू का आंसर बी डी आ रहा है, संकल्प का भी डी अयान का भी डी आयुष ने बोला वन अजय ने बोला वन हर्षिता ने बोला वन अयान ने बोला वन शुभम ने वन सात्विक ने वन जिन्होंने पुराना सेशन अटेंड किया था वो बच्चे वन कर रहे हैं और जो आज पहली बार ये सवाल देख रहे हैं उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया और वो आंसर फोर बोल रहे हैं सो आई एम कि जो पुराना सेशन अटेंड कर कर चुके हैं एटलीस्ट वो बच्चे अब आंसर गलत नहीं कर रहे उन्होंने ध्यान से वर्ड देखे हैं जियोलाइट के बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है दे आर एल्यूमिनो सिलीकेट बिल्कुल सही है अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट पढ़ो हाइड्रेटेड जियोलाइट आर यूज एज आयन एक्सचेंजर्स इन हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर लिखा है बेटा यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है ऊपर ऊपर से मत पढ़ो यहाँ पे हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर लिखा है एक्चुअल में जो जियोलाइट हैं वो किस लिए यूज होते हैं फॉर दी सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर लेकिन तुम ये बात नहीं ध्यान से पढ़ रहे हो तुमने ऊपर ऊपर से वर्ड देखे बस एंड थर्ड ऑप्शन में देखो जेडेस एम फाइव इज यूज टू कन्वर्ट गैसोलिन टू एल्कोहल लिखा है जबकि एक्चुअल में क्या होता है एल्कोहल टू गैसोलिन राइट सो यू नो ऑल दीज पॉइंट जस्ट दैट यू डोंट हैव पेशेंस टू रीड दी ऑप्शन ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा अब ये स्टेटमेंट गलत है थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है यस yes. सो so हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ फर्स्ट है सो so जो बच्चे ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन में पहले के सेशन में भी मैंने पढ़ाया था मैंने बताया था तो एटलीस्ट ये है कि जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन देख लेते हो इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन रिपीट किया जस्ट टू चेक कि जिनों जिनको मैंने पिछली क्लास में बताया था उनको ये बात याद रही सो यस डेफिनेटली उनको याद रही आई एम हैप्पी कि वो ये बात समझ गए हैं उन्होंने इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लिया अब जो पहली बार आज ये सेशन अटेंड कर रहे थे उन्होंने फिर यही गलती की है तो ये आपको ध्यान रखना है कि होता है हम थोड़ा बहुत वर्ड इधर उधर कर दें ध्यान नहीं जाता लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ध्यान जाएगा सो so आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट यस yes. बिल्कुल सही सो so कोई सॉरी वॉरी की कोई बात ही नहीं है बेटा इट इज लाइक कि वी हैव टू लर्न एवरी डे यू डोंट हैव टू टू फील सॉरी मी आपको बस इंप्रूवमेंट करनी है अब एक बार ये समझ में आ गया नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन जब भी दूं तो गलत नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई भी क्वेश्चन दूं तो गलत नहीं होना चाहिए सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है यान कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हर बार सही हो जरूरी नहीं है चलो आगे चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ द कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉर सल्फाइड अर्नियसाइड इन ऑर्डर फिर से वही सवाल सल्फाइड यानी फिर से सल्फाइड नेगेटिव सोल है नेगेटिव सोल के हिसाब से बताना है लेकिन पावर अब अरेंज करनी है कॉगुलेशन पावर आपको अरेंज करनी है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर चलो सो कॉगुलेशन पावर आपको यहाँ पे बतानी है सो कॉगुलेशन पावर का भी कौन सा ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा वो पहले और जैसे जैसे पावर कम होगी कम होता जाएगा यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्योंकि ये एक नेगेटिव सोल है तो हमने केटाइन वाले ऑप्शन देखने हैं एन वाले ऑप्शंस तो हमें देखने ही नहीं है क्योंकि जो सोल है वो सोल नेगेटिव है अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो अगर तुम्हें सोल का टाइप नहीं पता होगा तो तुम बता ही नहीं सकते कि कौन से ऑप्शन सही है मुझे केटायन देखना है या मुझे एनायन देखना है ये कैसे पता चलता है सोल का टाइप क्या है अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव सोल होता तो मैं एनायंस वाले ऑप्शन देखती अगर ये नेगेटिव सोल है तो मैंने केटाइन वाले ऑप्शन देखे क्लियर यस, yes. so, मुझे पावर यानी कि चार्ज के अकॉर्डिंग बताना था वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था तो आंसर हो जाएगा सी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो और बताओ कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो होमोजीनियस केटेलिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजीनियस कैटेलिस को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में क्या बताना है इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते से घट बढ़ते बढ़ते क्रम में डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में हाँ अब इस क्वेश्चन का आंसर सब सही दे रहे हैं दैट इट इज दी सेकेंड ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे आयरन सॉलिड है एनओ NO गैस है निकल सॉलिड है एंड बी टू ओ फाइव सॉलिड है तो अगर फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट की और जो रिएक्टेंट्स है उनकी फिजिकल स्टेट सेम है तो होमोजेनियस ये भी गैस थे ये भी गैस है तो ये होमोजेनियस अगर इनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे आओ इफ गोल्ड नंबर ऑफ ए बी सी एंड डी इनका गोल्ड नंबर दे रखा है आपको बताना है देन विच ऑफ विल हैव हाईएस्ट प्रोटेक्टिव पावर ध्यान दो हाइएस्ट प्रोटेक्टिव पावर प्रोटेक्टिव पावर का गोल्ड नंबर के साथ क्या रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है गोल्ड नंबर जिसका सबसे कम उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा तो हम प्रोटेक्टिंग पावर के साथ इनवर्स रिलेशन है गोल्ड नंबर का ये बात अच्छे से जानते हैं तो आपको पावर बतानी है हाईएस्ट तो पावर हाईएस्ट बताने का मतलब ये ज्यादा चाहिए तो ये कम चाहिए होगा तो सबसे कम कौन सी वैल्यू है फर्स्ट वाली वैल्यू यानी ए तो आंसर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही तो बहुत ही सही आंसर किया है चलिए आगे चलते हैं अब देखो ये क्वेश्चन इन दी फ्रेंडलेस्ट एड्सॉप्शन आइसोथर्म ये इक्वेशन है वैल्यू जो एन की है वो क्या हो सकती है एन की वैल्यू बतानी है आपको इन देंडलिज इश्शन आईसो आइसोथर्म इक्वेशन ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दी वैल्यू ऑफ एन इज एन की वैल्यू क्या है यहां पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ओके okay, हमें देखो वैल्यू एन की बतानी है आपके पास जो रेंज होती है वो रेंज किसकी होती है वन बाय एन की रेंज होती है तो उसके हिसाब से सोच लो कि देखो मेरे को क्या पता है कि वन बाय एन की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होनी चाहिए अब अगर ये वैल्यू जीरो है तो ये इन्फिनेटी बन जाएगा और अगर ये वैल्यू वन है तो ये वन बन जाएगा है ना तो यहाँ पे मेरे पास जीरो से यहाँ पे अच्छा हमें एन की ही वैल्यू बतानी है ना तो चाहे वन बाय एन के फॉर्म में लिखा है हमें यहाँ पे एन के हिसाब से चलना है तो यहाँ पे आपको देखो कि एन की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है उसके हिसाब से बताओ सो अगर यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं वन बाय एन में इसकी पूरी जो वैल्यू है उसको रिलेट करना है आपको तो क्या आएगा नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर तो देखो हो नहीं सकता नेगेटिव इंटीजर हो नहीं सकता बचे दो ऑप्शन एनी वैल्यू फ्रॉम टू या अ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर सो अगर हम की बात कर रहे हैं या फिर एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो जीरो टू वन के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है अब देखो यहाँ पे n के हिसाब से चलना है तो सी ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने n की वैल्यू पूछी है अगर वन बाय एन की वैल्यू जीरो से लेके वन तक होती है तो यहां पे एन के हिसाब से आपको चलना है राइट सो पॉजिटिव इंटीजर इज करेक्ट ऑप्शन अगर वो वन बाय एन की वैल्यू पूछते तो जीरो से वन वाला आंसर सही था तो या तो क्वेश्चन में वन बाय एन होगा या फिर इस क्वेश्चन में अगर एन है तो फिर एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी योर आंसर तो अभी के लिए यहाँ पे एनी अ पॉजिटिव इंटीजर इज मोर अप्रोप्रिएट अगर हम रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो रेंज यहाँ पे आ जाए अब देखो यहाँ पे एनी नहीं लिखा है अगर यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता तो ये भी ऑप्शन नहीं होता एक बात और सुन लो अगर यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता तो ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे अ पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन अगर एनी पॉजिटिव इंटीजर होता तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है मैं बता रही हूँ यहाँ पे ए लिखा है तो हम मार्क कर सकते हैं लेकिन अगर एनी पॉजिटिव इंटीजर फिर हम आंसर ए ही मार्क करते क्योंकि फिर हम उसके हिसाब से चलते कि ये एन जो पूछ रहे हैं बेसिकली वन बाय के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे हैं क्योंकि एनी पॉजिटिव इंटीजर तो बेटा फाइव और टेन फिफ्टीन ट्वेंटी भी हो सकता है सेवन भी हो सकता है तो इसलिए हम बोल रही हूँ कि अ पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है आंसर लेकिन अगर एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो नहीं हो सकता है तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले अब मेरी बात सुनो जिसमें हम एक कंडीशन में फंस जाएं कि हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें या ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू पूछी है तो ऐसे सिचुएशन में आप वो वाली ऑप्शन सिलेक्ट करना जो ऑलवेज ट्रू हो रही है मतलब जो तो पक्का सही है इसमें हमारे पास कंडीशन आ जाएगी ना इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी कि पॉजिटिव इंटीजर तो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है 20, 25 कुछ भी हो सकता है तो ये हमेशा सही वाली बात तो नहीं है लेकिन हाँ अगर हम यहाँ पे जीरो से वन वाली वैल्यू लेते हैं तो ये तो सही है जीरो से वन वाली वैल्यू तो पक्का सही है चाहे वो वन बाय एन की बात कर रहे हो चाहे वो एन की बात करो ऐसे सिचुएशंस में इन दैट पर्टिकुलर बात हो हो। तुम्हें तो ये ध्यान रखना है कि या तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट है कि वन बाय की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर, फिर भी आप यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि फर्स्ट मार्क करना मैं ये बता रही हूँ क्योंकि पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो कुछ और पूछना चाहते हैं कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या कोई ऐसा क्वेश्चन देखो नेगेटिव वाला तो पक्का पता है नहीं हो सकता तो आप दो ऑप्शन बचे इसमें से अ पॉजिटिव इंटीजर हम बोल नहीं सकते पॉजिटिव इंटीजर तो इनफाइनाइट तक चलते ही रहेंगे तो हम उसको रिलेट नहीं कर सकते समझ में आई बस दो तीन क्वेश्चंस और बचे अब इस क्वेश्चन पे आओ फटाफट सॉल्व करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एड्जॉप्शन ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है एड्जॉप्शन के साथ कौन से कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड है ये आपको बताना है अब मुझे पता है कि जब एड्जॉप्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है एंट्रॉपी क्या होती है वो भी घट जाती है और क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी भी क्या होता है नेगेटिव होता है सो डेल्टा जी भी नेगेटिव है डेल्टा एस भी नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है तीनों चीजें नेगेटिव यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यस सो अब बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लो डेल्टा जी इज नेगेटिव बट ये दे आर पॉजिटिव गलत हो गया डेल्टा एस पॉजिटिव ये तो गलत हो गया दे आर नेगेटिव बट डेल्टा एच इज पॉजिटिव ये भी गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही चलो आगे चलते हैं अब ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजी ऑप्शन फिजियप्शन की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है फिजियोप्शन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे सही है नॉन स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिसिटी इिवर्सिबिलिटी सिंगल लेयर इड्स ऑप्शन बिल्कुल सही संकल्प गलत कर रहे हो सी गलत कर रहे हैं जो भी सी बोल रहे हैं देखो तुम्हें प्रॉपर्टी बतानी है ऑप्शन के बारे में नॉन स्पेसिफिक होता है ऑप्शन स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वीक वैंडरवॉल फोर्स से पार्टिकल ने आके जुड़ना है तो बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है हाईली स्पेसिफिक कौन होता है केमीज ऑप्शन केमीज ऑप्शन में हाईली स्पेसिफिक होता है वो क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना होता है इ भी नहीं है फिजियो ऑप्शन तो रिवर्सिबल है पार्टिकल वीक फोर्स से आके जुड़ेगा हट भी जाएगा लेकिन इ रिवर इ होती है केमीज ऑप्शन में केमीज ऑप्शन इज इिवर्सिबल एंड सिंगल लेयर सिंगल लेयर जो है ये भी नहीं है फिजियो ऑप्शन क्योंकि फिजियो ऑप्शन क्या होता है ये होता है मल्टी लेयर पार्टिकल्स की बहुत सारी लेयर इस पर डेवलप हो सकती है तो ये है मल्टी मोलिकुलर लेयर या मल्टी तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है सिंगल लेयर किसकी प्रॉपर्टी है केमीज ऑप्शन की आपको यही बताना था कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है तो नॉन स्पेसिफिक नेचर बिल्कुल सही सो so, ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बता दी है. अब आ जाओ यहाँ पे अगेन दिस क्वेश्चन ये भी कल हमने डिस्कस किया था अब यहाँ पे ग्राफ बना के रेंज दे दी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ए बोल दिया आगे ये बी हो गया फिर आगे ये सी आगे सब चल रहा है अब आपको यहां पे बताना है में और जो है, उस पे क्या relations सही है? A, B और C point पे कौन से रिलेशन सही हैं? ऑप्शंस को ध्यान से देखो ए बी और सी पे कौन से पॉइंट सही हैं? ये बताना है ठीक है अब यहां पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला यहां पे जो पॉइंट चल रहा है इस पे हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी जब हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक्स अपॉन एम के रेस टू पावर के इंटू पी रेस टू पावर वन बाय में इनिशियली ये वन बाय एन की वैल्यू क्या होती है वन तो इनिशियली वन बाय एन की वैल्यू वन है तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी ये फिर अगर हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं बी पॉइंट पे बी पॉइंट वो मिडियोकर पॉइंट है तो अगर बी पॉइंट की बात करते हैं तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज चलता है ठीक है और अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं तो सी पॉइंट जब वो कॉन्स्टेंट हो गया है उस टाइम पे वन बाई एन की वैल्यू जीरो हो गई है यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स अपॉन एम के पी रेस टू पावर जीरो अगर पी रेस टू पावर जीरो है तो ये बन जाएगा वन तो अगर ये वन बन गया तो मैं इसको सीधा या तो के लिख सकती हूँ या फिर इसको एज इट इस इज लिख सकती हूँ तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है फर्स्ट ऑप्शन इज एप्स करेक्ट कि ये ए पॉइंट पे ये इक्वेशन है के पी वाली बी पॉइंट पे इक्वेशन एज इट इज रहेगी C पॉइंट पे ये P रेस टू पावर जीरो हो जाएगा बिकॉज नाउ इट इज गेटिंग कॉन्स्टेंट अब प्रेशर कितना भी बढ़ाते रहोगे एडजॉर्प्शन और नहीं होगा सो so आंसर हो गया फर्स्ट सही है सबका चलो अगला क्वेश्चन बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं थोड़े से आई सपोज दो या चार क्वेश्चन और बचे होंगे फटाफट फट पूरा सर्फिस रिवाइज हो जाएगा खत्म होने वाला है ये By प्लॉटिंग log x upon m ऑन y axis एंड log p ऑन the x axis वी शुड गेट कौन से टाइप का ग्राफ हमें मिलना चाहिए ध्यान से देखो ध्यान से अगर ध्यान से नहीं देखोगे गलत करोगे चंदन गलत कर रहे हो स्मृति गलत कर रहे हो ध्यान से देखो बेटा अगर हम log p और log x upon m को प्लॉट करते हैं तो वो जीरो से ओरिजिन से पास नहीं होता है ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता बेटा कुछ इंटरसेप्ट भी होता है ना उसका यू हैव दिस एक्सप्रेशन इफ यू टेक log ये बन जाएगा इक्वेशन ये अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो ये बन जाएगा log k यू नो log k इसका इंटरसेप्ट है यानी कुछ पर्टिकुलर इंटरसेप्ट होता है इसमें इंटरसेप्ट आने का मतलब कि वो ओरिजन से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ओरिजन से स्टार्ट तब होता अगर इंटरसेप्ट जीरो इंटरसेप्ट होने का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू वाई एक्सेस पे अटेन करके फिर वो स्ट्रेट लाइन जाएगा यानी ये इंटरसेप्ट है लॉग के यस सो इट शुड नॉट पास विद ओरिजिन पास थ्रू दी ओरिजिन नहीं होना चाहिए आंसर क्या हो जाएगा टू तो जिन्होंने भी आंसर वन मार्क किया था उनका आंसर गलत हो जाएगा तो ये ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग विद द इंटरसेप्ट लॉग के एंड इट शुड नॉट पास विद थ्रू दी ओरिजिन। चलिए आगे चलो अब ये क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमीज ऑप्शन केमीज ऑप्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है ये बताना है ये भी देख लो नॉट लिखा है यहां पे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहां पे आपको ये बताना है तो हमें देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए होती है ये तो है हाई एंथैलपी ऑफ एड्सॉर्पन ये भी सही है इन इन नेचर और रिवर्सिबल इन नेचर में से बताना है तो केमिकल बॉन्ड बन गया है तो वो इिवर्सिबल हो जाएगा तो रिवर्सिबल इन नेचर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है रिवर्सिबल इन नेचर किसकी प्रॉपर्टी होती है फिजी ऑप्शन की येस yes, बिल्कुल सही तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट आगे चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दोबाइल लेयर एंड द मोबाइल लेयर इन द देलमोन्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल ऑफ कलॉय इज इस क्वेश्चन का क्या आंसर लग रहा है ओके उमेर आंसर गलत कर रहे हो कुछ एक बार ध्यान से देखो सीमा कुछ गलत कर रहे हो ध्यान से देखो यस जीटा पोटेंशियल तो है ही उसके साथ साथ और भी कुछ है अंशुमन देखो बेटा ध्यान से यहां पे देखो जीटा पोटेंशियल तो डेफिनेटली है सो जीटा पोटेंशियल को और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं ये जीटा पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है तो आंसर ये भी है ये भी है एंड यू कैन सी बोथ वाला ऑप्शन बोथ एंड तो आंसर कौन सा मार्क करोगे फोर क्योंकि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं राइट सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ आगे चलते हैं अब इसका आंसर दो जिग्जैग मोशन ऑफ दल पार्टिकल इज नोन एज जिग्सैग मोशन ऑफ दल पार्टिकल्स इज नोन एज यस yes, नीतू गलत कर रहे हो ध्यान से देखो बिल्कुल सही बाकियों का बिल्कुल सही है आंसर नीतू एक बार आंसर चेक करो यस नाउ योर आंसर इज राइट बिल्कुल सही विद्या प्लीज आंसर चेक करो बेटा आपने वन भेजा है वन नहीं है अनूप थ्री नहीं है आंसर देखो जिक्सैग मोशन जो प्लॉट पार्टिकल्स का जिग्सैग मोशन होता है इस तरीके से ऐसे रैंडमली पार्टिकल घूमते रहते हैं दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट तो जो जिगजै पार्टिकल्स का मूवमेंट है दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट जो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था राइट right? चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है जल्दीबाजी कतई नहीं करनी है पढ़ लेना ध्यान से क्वेश्चन कोलॉयडियॉन सॉल्यूशन कोलॉडियोन सॉल्यूशन क्यों यूज होता है जब हमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना होता है फॉर दी प्रोसेस विच इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर हमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना होता है तो हम इसको यूज करते हैं तो अब आपको यहां पे यह बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही है क्लोइडियन में डिप करके नॉर्मल फिल्टर पेपर को फिर उसको हार्ड करके ड्राई किया जाता है अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है चंदन गुप्ता बी आंसर लग रहा है तुम्हें ध्यान से ऑप्शन पढ़ लो यस सो आंसर क्या हो जाएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से पढ़ो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में उन्होंने बताया है कि कैसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता है एक लाइन लिखी गई है उसपे क्वेश्चन आ सकता है तो क्लोइडियन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं क्या होता है क्लोयडियॉन पता होना चाहिए इट इज फोर परसेंट नाइट्रोसेलुलस इन द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर तो जो बच्चे यहाँ पे थर्ड आंसर बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ तक तो सही सही पढ़ लिया लेकिन आगे नहीं पढ़ा एस्टर है यहाँ तो एस्टर नहीं होता फोर परसेंट नाइट्रोसेलोज इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहॉल एंड ईथर इज राइट तो आंसर फोर्थ करेक्ट है जो यहां तक पढ़ के आगे इसको ईथर नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान से ये एस्टर लिखा है दैट आंसर इज रॉन्ग ठीक है बिल्कुल सही और जो बच्चे टू आंसर बोल रहे हैं वो सिर्फ सेल्युलोज देख रहे हैं एक्चुअल में इट इज नाइट्रोसेलुलोस सो 4% परसेंट नाइट्रोसेलुलोस होता है क्लोइडियन चलो आगे चलते हैं आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही है नाउ दिस क्वेश्चन आई सपोज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन सो फटाफट इसका आंसर करो विच आयन बिहेव्स एज अ को एंजाइम फॉर अमाइलेज एंजाइम अमाइलेज जो एंजाइम है उसके लिए को एंजाइम कौन सा आयन बिहेव करता है यस yes, यान का आंसर बिल्कुल सही आकाश गुप्ता भावना आंसर गलत कर रहे हो अयान बिल्कुल सही अजय संकल्प उमेर ज्योति स्वाति सात्विक कल्पना अरे वाह सबने सही आंसर कर दिया दैट इट इज सोडियम तो सोडियम प्लस के जो आय हैं वो को इंजाइम की तरह एक्ट करते हैं फॉर अमाइलेज इंजाइम राइट सो दिस वाज योर लास्ट लास्ट क्वेश्चन So, अब हम मिलेंगे कल एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोस्ट प्रोबेबली कल की जो क्लास है उसका अभी टाइमिंग कन्फर्म नहीं है या तो दस बजे होगी या बारह बजे होगी सो so, अगर क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बार रात को जरूर देख लेना कि कितने बजे का कल का सेशन है कई बार कुछ हो जाता है टाइम चेंज तो एक बार जरूर उसको ध्यान रखना ताकि क्लास मिस ना हो ठीक है टॉपिक भी आपको जब आप देखोगे तो आपको पहले पता चल जाएगा जो भी टॉपिक फाइनलाइज होता है हम क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे जो भी टॉपिक हम करेंगे या तो हम ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे या फिर हम कोई अगर और चैप्टर भी पिक करते हैं यू विल गेट टू नो फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर व्हाट इज नेम और द्ट इज दी कंटेंट दैट वी हैव टू कवर वो आपको पता चल जाएगा राइट right? हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कर लेंगे हाँ कमेंट कर देना जो भी चैप्टर है आप उसे कमेंट कर सकते हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपको लगा हो कि क्वेश्चंस वाकई अच्छे हैं और आपका पूरा सर्फेस केमिस्ट्री रिवाइज हो गया है तो आप ये वीडियो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना राइट हाँ कीप लर्निंग कीप कीप सेफ एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर है ना आज का हमने यही मुद्दा सीखा है सो so, फटाफट वीडियो को लाइक करना शेयर करना कल के सेशन में मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे थे ताकि वो अगला जो भी सेशन है वो पहले से उसका टाइम और उसका टॉपिक पढ़ सके कि कल की क्लास किस कितने बजे और किस टॉपिक पे होने वाली है ओके बाय बाय